ओके सो वेलकम बैक मैं नॉरी टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर आप सभी कार्टर ट्वेंटी फोर सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब पर स्वागत करता हूं आज के सेशन में आज के क्लास में आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग के सभी एग्जाम्स है ना कोई सभी एग्जाम ले लो चाहे आप बात कर लो आरबीआई की चाहे एसबीआई की चाहे आईबीपीएस चाहे आरबी उसके लिए कंप्लीट क्लास ऑफ परसेंटेज जिसमें कि प्री और मेंस दोनों इंक्लूडेड रहेगा राइट और सर परसेंटेज ही क्यों क्योंकि मैंने हमेशा आपको बता रखा है कि अर्थमेटिक के दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं एक तो परसेंटेज दूसरा आपका एंड प्रपोर्शन अगर ये दो चैप्टर्स आपके काफी अच्छे कमांड में है काफी अच्छे कंट्रोल में तो अर्थमेटिक का मान के चलो कि सेवेंटी आपने पोर्शन तैयार कर रखा है, है ना उसके बाद जितने भी चैप्टर्स होंगे इन पर बेस्ड होंगे अगर परसेंटेज और रेशन प्रपोर्शन आपने अच्छे से कंट्रोल में रख लिया आपने, है ना अच्छे से आपने इसको तैयार कर लिया तो बाकी सभी चैप्टर्स इसी के ऊपर आधारित होते हैं है ना? इन्हीं का यूज सबसे ज्यादा हो रहा होता है तो मैंने सोचा आज संडे भी है और आप लोग कुछ स्पेशल दे भी दिया जाए है ना प्री प्लस मेन्स इसमें आपको प्री के कंटेंट ज्यादा मिलेगा नो डाउट में क्वेश्चन भी होंगे बट कम होंगे है ना चार पांच क्वेश्चन होंगे आठ दस क्वेश्चन मतलब टोटल में से हम कह रहे तीन चार पांच क्वेश्चन मेंस के भी होंगे वो बीच बीच में आते नहीं जिससे कि आपका थोड़ा सा जो लेवल है वो इंक्रीज होता रहे ठीक है तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आशीर्वाद 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 शुरुआत किया जाए जल्दी से बच्चों फिर जल्दी से शुरुआत किया जाए चलिए फिर जल्दी शुरुआत करते हैं अपने अपने ब्यूटीफुल सेशन की क्योंकि हम सभी पता है पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा बच्चों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा परफॉर्म करे सारे बच्चे अब बहुत आसानी है तो है ना ये क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में क्या करना देखो इस क्वेश्चन में है फोर्टी परसेंट ऑफ नंबर इज ट्वेंटी फोर हंड्रेड वॉट इज द नंबर सर मेंस वाली डीआई नहीं हो पा रही हो जाएगी डीआई का सेशन हम मंडे को रखे हैं डीआई है मतलब का तो हम लोग को जो क्लास चल रहा था वो तो हो गई आज संडे स्पेशल में हमने आपको प्री प्लस मेंस यानी कंप्लीट परसेंटेज की क्लास दी थी इसके बाद आपको कहीं परसेंटेज की कोई क्लास देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कंप्लीट क्वेश्चन रहेंगे सारे सारे है ना पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर देना है फोर्टी परसेंट ऑफर नंबर इज ट्वेंटी फोर हंड्रेड वट इज द नंबर अब देखो किसी नंबर का चालीस परसेंट बोला जा रहा है किसी नंबर का चालीस परसेंट चौबीस सौ है

फोर्टी परसेंट मतलब चालीस बटे सौ है ना चालीस बटे सौ मतलब दो बटे पांच ठीक है चौबीस सौ के बराबर हो गया तो हमसे एन के बारे में पूछा रहा तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी दो से डिवाइड कर देंगे यानी कि चौबीस सौ को हम दो से भाग करेंगे और पांच से हम मल्टीप्लाई कर देंगे यही तो है दो से डिवाइड करोगे तो बारह सौ आएगा बारह सौ का अगर हमने पांच से गुणा कर दिया तो बारह पंच हजार हमारा नंबर आ गया बोलो हाँ ना सारे बच्चे तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई सिक्स थाउजेंड आ गई ठीक है एक अप्रोच तो ये हो गई हम लोग के पास बच्चों एक अप्रोच तो हमारी यह हो गई और भी एक अप्रोच है वो क्या है देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि किसेंट किसी नंबर का 2400 होता है तो आपसे नंबर पूछा गया देखो 40 की पहले तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए ठीक है 40 परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दो बटे पांच होती है कहने का मतलब है पांच का दो हिस्सा चौबीस है बच्चों पांच का दो हिस्सा देखो पांच का दो हिस्सा चौबीस के बराबर है यानी कि दो रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो गई चौबीस के बराबर हो गई है ना पांच का दो हिस्सा चौबीस के बराबर है. तो पूरा मतलब मतलब कंप्लीट नंबर क्या होगा हमने कहा का हिस्सा यानी कि की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा रहा है यानी वन रेशो की वैल्यू निकाल लो तो वैल्यू हो जाएगी बारह और हमसे पूछा रहा क्या फाइव रेशो की वैल्यू क्योंकि आपको कंप्लीट नंबर निकालना है ना तो फाइव रेशो की वैल्यू क्या होगी हमने बारह सौ का पांच गुना कर देंगे तो आंसर आ गया बारह पंचायत छह हजार यानी कि ये तरीके हैं आपको पता होने चाहिए अलग अलग अप्रोचेस पता होनी चाहिए जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को क्रैक क्रैक कर सको है ना ये तो बेसिक अप्रोच हो गई ये हमारे पास रेशियो अप्रोच हो गई चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं सारे बच्चे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा परफॉर्म करे सारे बच्चे इस सेशन के बाद आपको किसी और वीडियो के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी है ना मतलब कंप्लीट क्लास होगी परसेंटेज की जिसमें कि प्री भी है और मेंस भी है मेंस के के भी भी इसमें इसमें क्वेश्चंस क्वेश्चंस आपको आपको मिल जाएंगे आपको मिल जाएंगे जाएंगे और प्री देखने को है ना 960 वाले भी कुछ थे हम देख रहे थे वही हम सोचे एक बार नौ वाले कहां से आ गई है अचानक से कोई बात नहीं <coughs> उन्होंने अभी अभी अपना जियो को रिचार्ज कराया होगा तो वही नंबर उनके दिमाग में घूम रहा होगा है ना इन एन एग्जामिनेशन थर्टी परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी फोर्टी फाइव परसेंट फेल्ड इन इंग्लिश ट्वेंटी परसेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट फाइंड द परसेंटेज ऑफ दो पास इन बोथ द सब्जेक्ट ठीक है कर लोगे खुशी चौरसिया का आज बर्थडे है आशीर्वाद बेटा आपको हैप्पी बर्थडे आप बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द सिलेक्शन पाएश्वर आपके ऊपर कृपा करें और बहुत जल्द आप अपने पैरों पर खड़े हो है ना मतलब अपने परिवार को सपोर्ट करें बाकी बच्चे भी खुशी को एक बार हैप्पी बर्थडे विश कर दें इन एन एग्जामिनेशन थर्टी परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी बहुत ध्यान से पूछा दो सब्जेक्ट है यहां पर ना हिंदी और इंग्लिश तो यहां पर हम वेन डायग्राम का यूज करने वाले हैं एक ये हिंदी का हो गया ये सर्कल आपका इंग्लिश का हो गया ठीक है ये हिंदी का हो गया ये हिंदी का हो गया और ये कैसा हो गया ये इंग्लिश का हो गया एक हिंदी का हो गया एक इंग्लिश का हो गया हाँ जो बच्चे नए हैं जो पहली बार इस सर्कल को देख रहे हैं उन बच्चों को हम बता दें ये जो सर्कल होता है बेटा इसके अंदर का जो हिस्सा है ये वाला ठीक है थोड़ा सा आप इसके ऊपर ध्यान दे लो ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक का ये है ना ये जो हिस्सा है ये ओनली का होता है यानी कि अगर कहीं लिखा हो ओनली हिंदी तब तो हम इसको बीच में रखेंगे मतलब अंदर रखेंगे अगर कहीं पर लिखा हो ओनली इंग्लिश यानी कि डेटा जो दिया गया हो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का दिया हो तो उसको हम लोग बीच में रखेंगे है ना ओनली का डेटा हम अंदर रखते हैं अगर शब्द के आगे ओनली वर्ड नहीं यूज किया गया है तो उसे हम सर्कल के बाहर रखेंगे ठीक है और ये बीच वाला हिस्सा क्या है बीच वाला प्लस का हिस्सा है यानी कि दोनों कंबाइंड डेटा जो होता है उसको हम बीच में रख रहे होते हैं ठीक है यहां तक तो हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा फिलहाल ठीक है अब देखते हैं क्या क्या हमको क्वेश्चन में दे रखा गया है सारे बच्चे ध्यान से देखें तो हमें दे रखा गया क्या फेल्ड इन हिंदी बच्चों फेल्ड इन हिंदी क्या यहां पर लिखा हुआ है ऑनली हिंदी नहीं ना यहां सिर्फ लिखा है, failed in Hindi लिखा हुआ है. तो ऑनली है, तो है नहीं तो इसका मतलब हम इसको अंदर नहीं रख सकते हम इसे बाहर रखें थर्टी को हम बाहर रखेंगे थर्टी परसेंट हिंदी में फेल हो रहे हैं सिर्फ हिंदी में नहीं है ना हिंदी में फेल हो रहे ठीक है 45, uh, 45 failed in English. Again, देखो only word नहीं किया गया, इसलिए हम इस 45 को भी हमें बाहर रखना पड़ेगा। अगर मतलब ट्वेंटी परसेंट मतलब तो हो गया बीच वाला हिस्सा है ना ये कंबाइंड डेटा यानी कि ट्वेंटी हमने यहां लिख दिया अब देखो क्या पूछा गया फाइंड द परसेंट ऑफ दो पास इन इंग्लिश पास इन बोथ द सब्जेक्ट ठीक है अब देखो ध्यान से दे सारे बच्चे अब हमारे पास ओनली का डेटा होना कंपलसरी है मैंडेटरी है ना अब देखो थर्टी परसेंट टोटल में फेल हुए हैं जिसमें कि हिंदी भी है सिर्फ हिंदी भी है और उसमें कंबाइंड भी है देखो ये सर्कल जो है थर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा सर्कल अब इस सर्कल के अंदर ओनली का डेटा भी है और कंबाइंड डेटा भी है अब हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ हिंदी में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं बच्चों सिर्फ और सिर्फ हिंदी में तो 30 परसेंट ओवरऑल है जिसमें से 20 परसेंट कंबाइंड है तो 30 में से 20 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें ओनली का डेटा मिल जाएगा 30 माइनस ट्वेंटी कितना आ गया हम ले 10 आ गया ठीक है इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चों की संख्या क्या है पैंतालीस है जिसमें कि कंबाइंड है बीस तो पैंतालीस में से बीस माइनस करो कितना आएगा हमने पच्चीस परसेंट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हो रहा है है ना ये सारा फेल का है। याद रखेगा ये भी फेल का डेटा है ये भी फेल का डेटा है ये भी फेल का, है, भी fail का है है ना सिर्फ हिंदी में फेल होने वाले बच्चे दस है सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे 25 परसेंट है और दोनों में 20 परसेंट है तो बच्चों टोटल तो फेल होने वाले बच्चों की संख्या क्या है हमने कहा सर 10 है 20 है और 25 है 45 और दस पचपन टोटल फेल होने वाले बच्चों की संख्या पचपन परसेंट है तो टोटल पास पूछा गया है ना तो टोटल होता है हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट में से अगर हमने फिफ्टी फाइव परसेंट माइनस कर दिया तो हमारा आंसर जाएगा फोर्टी फाइव परसेंट यही हमारा आंसर है बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट हुआ किसी बच्चे को कोई डाउट हुआ जरा सा भी कहीं कंफ्यूजन हुआ <coughs> समझ में आ रहा अच्छे से है ना तो ये कुछ प्री uh, लेवल के क्वेश्चन हैं ये मैं सोचना मेंस में थोड़ी ना आएगा लेकिन इस पर आधारित मेंस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना तो ये भी आपको पता होना बहुत अच्छे से बहुत जरूरी है कि ओनली क्या होता है कंबाइंड क्या होता है ओवरऑल क्या होता है ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है चलो अगला क्वेश्चन आप तो स्क्रीन पर ये रहा परफॉर्म करें सारे बच्चे <clears throat> बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है मतलब बार बार ये मत कहना सर रिपीट कर दीजिए रिपीट करने वाले जो क्वेश्चन होंगे हम खुद कर देंगे जहां हमें लगेगा क्वेश्चन का लेवल अच्छा है और ये एक बार आप नहीं समझ पाओगे एक बार में तो हम खुद ही वो रिपीट कर देंगे बट कोशिश करिएगा कि एक बार में समझें होता क्या है ना कि आप लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हो बीच बीच में इधर उधर कुछ और भी देख रहे होते हो है ना तो उस चक्कर में क्या होता है कंसंट्रेशन आपका बिगड़ जाता है फोकस बिगड़ जाता है और उतनी देर में हम कुछ ना कुछ और लिख चुके होते हैं फिर आप सोचते हो ये कैसे आ गया है ना तो ऐसा अगर आप हंड्रेड फोकस्ड फोकसड रहोगे स्क्रीन की तरफ तो आपको दिक्कत नहीं होगी आप हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे <coughs> चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10 परसेंटेज ऑफ वाटर ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है बट परसेंटेज में भी कहीं ना कहीं कंसीडर uh, कर लिया जाता है क्योंकि परसेंटेज का यूज हुआ होता है इसमें है ना अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेंस टेन परसेंटेज ऑफ वाटर ठीक है हाउ मच वॉटर मस्ट बी एडेड टू मेक द वॉटर ट्वेंटी इन द न्यू मिक्सचर देखो कई सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन करने के सवाल ये है कि एक मिक्सचर है जिसमें कि 40 लीटर मिल्क एक मिक्सचर है 40 लीटर का ठीक है 40 लीटर्स का मिक्सचर है हमारे पास ठीक है 40 लीटर्स का हमारे पास मिक्सचर है जिसमें कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है टेन परसेंट है मतलब मिल्क जो है वो टेन परसेंट है ना तो वाटर क्या होगा हमने नाइन्टी परसेंट होगा अगर मिल्क हमसे कोई कह देखिए टेन परसेंट है तो जाहिर सी बात है ना वाटर कितना होगा वाटर नाइनटी परसेंट होगा परसेंटेज हंड्रेड होता है हंड्रेड में से अगर टेन मिल्क को मिल गया तो बचा क्या नाइनटी परसेंट वाटर का <coughs> नहीं 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 एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड मिल्क एंड वाटर कंटेन्स टेन परसेंट ऑफ वाटर अच्छा समझ रहे हो यह खेल किया गया इसमें इस, इस क्वेश्चन का खेल समझे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मिक्सर ऑफ फोर्टी लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स टेन परसेंट ऑफ वॉटर है अच्छा मैंने मिल्क समझा टेन परसेंट वॉटर है यानी कि मिल्क और वॉटर में टेन परसेंट वाटर है हा 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 बिल्कुल 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 वही मैं सोचा यार इतना कैसे घपला कोई कर रहा है दस परसेंट मिल्क बाकी नब्बे परसेंट वाटर खरीदा कौन ठीक है चलो ये है तो नाइनटी और टेन का हमारे पास रेशियो आ गया यानी कि अगर हम रेशियो में बात करें तो नाइन और वन का हमारे पास रेशियो आ चुका है अब प्रश्न क्या है हाउ मच वॉटर मस्ट बी एडेड टू मेक द वॉटर ट्वेंटी परसेंट इन द न्यू मिक्सचर कितना पानी हम और मिला दें देखो ऐड क्या हो, हो रहा है बेटा ऐड हो रहा है यहां पर कितना पानी हम और मिला दें जिससे कि वाटर हमारा ट्वेंटी परसेंट हो जाए इन द न्यू मिक्सचर वाटर अगर ट्वेंटी परसेंट हो जाएगा सारे बच्चे ध्यान से देखें अगर वाटर हमारा ट्वेंटी परसेंट हो जाएगा तो मिल्क कितना हो जाएगा फिर मिल्क हमारा एट्टी परसेंट हो जाएगा अगर हम रेशियो की बात करें तो वाटर का हमारा ट्वेंटी परसेंट मतलब वन रेशियो में और यहां पर फोर यानी कि फोर रेशियो वन की बात हो रही है क्या इतने हिस्से में किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट आया क्या इतने हिस्से में किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट आया नहीं आना चाहिए है ना क्वेश्चन ने कहा था कि 10 परसेंट वाटर है तो 90 परसेंट हमारे पास मिल्क है तो हमने कहा टेन परसेंट वाटर 90 परसेंट मिल्क का मतलब हो गया वन रेशियो मतलब नाइन रेशियो वन है ना मिल्क का रेशियो नाइन वॉटर का रेशियो वन ठीक है फिर क्वेश्चन ने कहा कि हम कितना पानी और मिला दें जिससे कि पानी की जो मात्रा है वो 20 परसेंट हो जाए 20 परसेंट का मतलब क्या होता है अगर 20 परसेंट वाटर है तो मिल कितना हो जाएगा 80 परसेंट तो रेशियो की अगर हम बात करें तो फोर रेशियो वन हमारे पास आ चुका है ठीक है अब ये परसेंटेज वाली वैल्यू हम लोग हटा देते हैं यहां से है ना? हम रेशियो में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर चुके हैं ठीक है थीके? हम रेशियो में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर चुके हैं अब मुझे बच्चे बताएंगे कि एड हो क्या रहा है बच्चों ऐड हो क्या रहा है ऐड वाटर हो रहा है ना क्यों मोटू और पतलू अप्रोच जिसको कुछ एडिशन मिलेगा वो पतलू से मोटू होगा ना कहने का मतलब है 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 ऐड ऐड हो हो क्या रहा है? वाटर हो रहा वाटर तो मिल्क के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए बट यहां पर आ रहा है देखो एड वॉटर हो रहा है तो वॉटर को बढ़ना चाहिए ना कि मिल्क को मिल्क को सेम होना चाहिए तो दिस क्वांटिटी मस्ट बी सेम राइट दिस क्वांटिटी मस्ट बी सेम इसको सेम करना होगा कैसे करेंगे बताओ हम इसको फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको नाइन से कर देते हैं जैसे कि ये भी छत्तीस हो जाए ये भी छत्तीस हो जाए तो फोर इधर तो फोर इधर भी नाइन इधर तो नाइन इधर भी यानी कि नए रेशियो से हमारे पास क्या आ गए हमने सर थर्टी सिक्स रेशियो फोर आ गया और यहां पर क्या आ गया थर्टी सिक्स रेशियो नाइन आ गया अब देखो साफ साफ ये सेम हो चुका है जो चाहिए भी था है ना मिल्क का डेटा सेम होना चाहिए था क्योंकि मिल्क एड नहीं हो रहा है वॉटर एड हो रहा है बच्चों वॉटर एड हो रहा है अब ध्यान देखो सारे बच्चे वाटर कितने रेशियो में बढ़ा है वोटर की संख्या कितने रेशियो में बढ़ गई हमने सर रेशियो 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 में देखे, तो में अगर हम देखें तो बढ़ गया पहले फोर था अब नाइन फाइव रेशियो में बढ़ गया क्वेश्चन ने पूछा कि कितना पानी और मिला दें तो जवाब होगा रेशियो में हम और मिला दें यही तो होगा ना क्वेश्चन कह रहा है कितना पानी हम और मिला दें तो हमने कहा सर रेशियो में आप और मिला दीजिए फाइव रेशियो ही तो बढ़ा हुआ आया है फाइव रेशियो में आप और बढ़ा दीजिए यानी इस फाइव रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अच्छा शुरू में मिक्सर हमारा रेशियो में कितना था हमने सर रेशियो में था देखो और शुरू में रेशियो शुरू में मिक्सर हमारे पास रेशियो में कितना था हमने सर फोर्टी रेशियो में था और एक्चुअल में कितना था हमने सर फोर्टी लीटर यानी कि वन रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से वन रेशियो की वैल्यू जाएगी वन लीटर तो फाइव रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी हमने सर फाइव लीटर यही आपका आंसर हो गया याद रखें नए रेशियो में आ जाने के बाद पुराने रेशियो को हम लोग यूज नहीं करते हैं क्लियर हो गया हर एक बच्चे को क्लियर हो गया हर एक बच्चे को अच्छे से कोई डाउट नहीं कोई कंफ्यूजन क्लैरिटी है आगे बढ़ सकते हैं हम लोग चलो बहुत शानदार बहुत बढ़िया अगला प्रश्न बच्चों आपके स्क्रीन पर रहा परफॉर्म करे सारे बच्चे <coughs>

है ना और उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या सीखा था आपने रेशियो अप्रोच सीखी थी टू अपॉन फाइव वाली की आ, टू रेशियो की वैल्यू चौबीस रेशियो की वैल्यू है ना तो ये आपने सीखा था तो ये प्रीलिम्स के को जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर रहे होते हैं वो आपके कंसेप्ट को डेवलप कर रहे होते हैं और जब एक बार आपका कंसेप्ट पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, है ना अंडरस्टैंडिंग एक बार अच्छी हो जाती है तो फिर आप मेन्स के क्वेश्चन को भी आसानी से क्रैक कर पा रहे होते हो राइट देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सीट्स इन एन ऑडिटोरियम इज इनक्रीज बाई ट्वेंटी सीट्स की संख्या बढ़ा दी गई है अच्छा अब आप लोग आराम से बैठ सकते हो जाके है ना की तो प्लस ट्वेंटी मतलब कहने का मतलब है, पहले चार थी अब उसमें एक और बढ़ा दी गई में अगर हम बात करें तो अब पांच हो गई क्यों बच्चों पहले चार थी अब एक और बढ़ा दी गई अब कितनी हो गई पांच यानी कि ओल्ड और अगर न्यू का हम डेटा डिस्कस करें तो पहले चार थी अब कितनी हो गई पांच हो गई द प्राइस ऑफ अ टिकट इज ऑल्सो इंक्रीज बाई ट्वेल्व परसेंटेज ठीक है अगर हम प्राइस की बात करें तो ट्वेल्व परसेंटेज की बात कर रहे हैं लोग है ना परसेंटेज का वो क्या होता है वो भी बढ़ा दिया गया ना मतलब फ्रैक्शन uh, वैल्यू क्या होती है ट्वेल्व परसेंटेज की बारह बटे सौ होगी यानी कि छह बटे पचास होगी यानी कि तीन बटे पच्चीस होगी बताओ मतलब, यही तो होगा तीन बटे पच्चीस बारह बटे सौ है ना बारह बटे सौ बारह परसेंट मतलब बारह बटे सौ तो हाफ हाफ करते जाओ छह बटे पचास तीन बटे पच्चीस यानी कि पहले पच्चीस थी अब कितनी हो गई होगी अब अट्ठाइस हो गई होगी हो बोलो पहले शुरू में जो प्राइस रहा होगा एक टिकट का वो कितना रहा रहा कितना रहा रहा होगा होगा हमने सर अब हो गया होगा पच्चीस में तीन जोड़ दो यानी कि अब हो गया होगा अट्ठाईस देन द इंक्रीज इन रेवेन्यू अच्छा रेवेन्यू आपको अगर चार सीट है शुरू में और हर एक सीट का हर एक टिकट का जो प्राइस था वो पच्चीस था तो उस समय कितनी कॉस्ट आ रही होगी हमने सर उस समय कॉस्ट आ रही पच्चीस गुड़े चार यानी कि सौ रुपए अब क्या हुआ अब सीट पांच हो चुकी यानी कि टिकट पांच हो चुके हैं और एक टिकट का जो प्राइस है वो है तो अब कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा होगा अट्ठाइस है मतलब है? तो का पांच गुना यानी कि एक तो पहले सौ अब 140 है ना क्या पूछा देखो देन द इंक्रीज इन रेवेन्यू कलेक्शन पहले 100 अब 140 तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ हमने कहा पहले सर सौ रुपए हम कमा पा रहे थे अब हम एक सौ कमा रहे हैं तो यानी कि डिफरेंस कितने का आ रहा कितनी की बढ़ोतरी हो गई हमने चालीस रुपए की बढ़ोतरी हो गई बच्चों की बढ़ोतरी हो गई चालीस रुपए की बढ़ोतरी हो गई किससे हमने सौ से पहले सौ था तो चालीस बटे सौ गुड़े सो यानी कि प्रतिशत की अगर हम बात करें तो चालीस परसेंट हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ गया क्लियर हो गया सारे बच्चों को अच्छे से <coughs> क्लियर हो गया सारे बच्चों को अच्छे से किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट तो नहीं है ना पहले सीट चार थी और टिकट का जो प्राइस था और एक टिकट की प्राइस थी पच्चीस तो पच्चीसों को सौ यानी कि पहले जो हम आ, कमा पा रहे थे पहले जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था कितने रुपए का था सौ रुपए का था अब हमने सीट बढ़ा दिया पहले चार थी अब पांच हो गई और हमारा जो टिकट का प्राइस था वो भी बढ़ गया पहले पच्चीस था अब अट्ठाइस हो गया तो अब हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कितना होगा यानी कि 140। तो पहले सौ रुपए हम कमा रहे थे अब हम एक सौ चालीस रुपए कमा रहे हमारा राइट आंसर ये अप्रोच हैं। बिल्कुल है ना अगला क्वेश्चन किया जाए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा परफॉर्म करें यह भी आसान है कर लोगे अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने सक्सेसिव अप्रोच सीखी है ना ये जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं ना एक मेरी सलाह और भी है वो ये कि अगर अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर चुके हो लेट सपोज मतलब आप अब मेंस के स्टूडेंट हो चुके हो आपका प्रीलिम्स बहुत आसानी से क्रैक हो जाता है आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार प्रीलिम्स तो मेरा तैयार हो चुका है तो आप बेशक प्रीलिम्स के क्वेश्चन ना करें है ना बेशक आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन ना करें लेकिन अगर कहीं पर सेशन हुआ करें प्रीलिम्स का कहीं पर भी ना केवल मेरा कहीं पर भी प्रीलिम्स का सेशन हुआ करे तो उसके क्वेश्चन को ज्वाइन जरूर किया करो आप खुद से मत पढ़ो खुद से कोई बुक के क्वेश्चंस मत करो क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मेरे से हो जाते हैं मुझे मेन से क्वेश्चंस करने हैं तो नो no डाउट आप मे यही क्वेश्चंस करो लेकिन अगर कहीं यूट्यूब पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन हुआ करे तो जा करके बैठ जाएगा क्योंकि वहां से प्रीवियस जो क्वेश्चन होते हैं ना जो कन्सेप्ट होते हैं उनका रिवीजन हो रहा होता है फिर जब तक आप प्रीवियस कंसेप्ट uh, का कन्सेप्ट का रिवीजन नहीं करोगे तब तो तक आगे जो मेन से क्वेश्चन होंगे उनको क्रैक नहीं कर पा है ना तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन का रिजन जरूर करते रहा करो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा अब लैंग्वेज है ये

थर्टी परसेंट है ना बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं ये तीन दस कहां से आ गया? ठीक है? तीन बटे दस ऑफ नंबर। है। है मतलब के बारे में टू होता है। 15. बस एन निकालना है। हो जाएगा वॉट इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ दैट नंबर ठीक है पहले एन निकाल लो फिर उसका ट्वेंटी परसेंट निकाल देंगे हम लोग ठीक है इसे सिंप्लीफाई करो तो टू टू जा फोर हो गया कुछ और बचा अब बाहुबली बनो काटते चले जाओ थ्री से यहाँ से कैंसिल कुछ बचा नहीं अब यहां टू बच रहा है यहां पर फाइव यहां पर टेन तीनों चले जाएंगे उधर है ना एन की वैल्यू आ जाएगी तो एन की वैल्यू आ गई फाइव क्रॉस टू क्रॉस फाइव क्रॉस टेन ये आ गई एन की वैल्यू सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको एन नहीं, नहीं निकालना है। आपको निकालना ट्वेंटी परसेंट उस एन का यानि कि ये तो एन की वैल्यू है हमें इसका 20 चाहिए, कि और सारे बच्चों को किसी बच्चों कोई डाउट नहीं कोई तकलीफ नहीं क्लैरिटी है तो इतनी बड़ी संख्या जुड़ी हुई है कम से कम हम चाहेंगे तो बराबर होने चाहिए ना हम लोग चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं सारे बच्चे ये क्वेश्चन जल्दी से परफॉर्म करें बहुत बढ़िया बहुत शानदार अब ये क्वेश्चन काफी बच्चे डरते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को देख करके ना कन्फ्यूज होते हैं कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं बच्चा देखो अमित स्पेंट फोर्टीन परसेंट ऑफ हिज इनकम ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल ट्वेंटी एट परसेंट ऑन रेंट एंड एटीन परसेंट ऑन शॉपिंग देखो इन सबके बीच में कॉमा लगा हुआ है कहीं पर भी रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं किया गया है याद रखें इस बात को बच्चों हर एक नंबर के पीछे हर एक परसेंटेज के बीच में आपको कॉमा दिख रहा है रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं किया गया है है उस क्वेश्चन को करने का तरीका बदल जाता है ना यहां पर क्या है यहां पर रिमेनिंग वर्ड शुरू में तो कहीं नहीं है बाद में आया है ठीक है तो हम क्या करेंगे हम यहां पर जो ये परसेंटेज दे रखा गया है इनको थोड़ा सा ध्यान देंगे इनके ऊपर क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है ठीक है देखो कैसे सारे बच्चे मान लो उसकी इनकम कितनी है टोटल इनकम कितनी बच्चों उसकी? उसकी मान लेते हैं, उसकी टोटल इनकम कितनी है? सौ है, है ना? तो सौ में उसने फोर्टीन परसेंट इलेक्ट्रिसिटी पर ट्वेंटी एट परसेंट उसने रेंट पर और एटीन परसेंट उसने शॉपिंग पर खर्च किया लिख लेते हैं फोर्टीन परसेंट रेंट पर सॉरी परसेंट किस पर इलेक्ट्रिसिटी पर ट्वेंटी एट परसेंट उसने रेंट पर और एटीन परसेंट उसने किस पर शॉपिंग पर खर्च किया अच्छा ये बताओ तो प्रतिशत में टोटल फिर उसने कितना खर्च किया सारे बच्चे बताएंगे उसने प्रतिशत में परसेंटेज में टोटल उसने कितना खर्च किया है हम इन सभी को ऐड कर सकते हैं नॉर्मली क्यों क्योंकि किसी के बीच में भी रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं किया गया तो कहीं हिंदी में इसको नोट कर लो सारे बच्चे नोट करें इफ रिमेनिंग वर्ड इज नॉट देयर, इफ रिमेनिंग वर्ड इज नॉट देयर, सारे बच्चे देन, वी कैन एड गिवेन परसेंटेज ठीक है अगर रिमेनिंग वर्ड ना दिया हो तो इनको हम ऐड कर सकते हैं तो सारे बच्चे इसको ऐड करें 28 और अट्ठारह कितना होता है यानी कि

टू फाइव बटे दस क्या पूछा गया हाउ मच डिड ही स्पेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 10, 5 5, और 5 ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो सेवन यानी कि सात हजार पच्चीस एक सौ पचहत्तर बताओ किसी बच्चे को जरा सा भी कहीं कोई डाउट हुआ सारे बच्चे किसी बच्चे को जरा सा भी कहीं कोई डाउट हुआ मतलब मैं अपने तरफ से मैंने बहुत ही डिटेल में इसको किया है इसके पीछे का रीजन है क्योंकि यहां पर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं बच्चे दोनों प्रकार के क्वेश्चन को एक ही तरह से कर रहे होते हैं <laughs> दो प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं लेकिन उनका करने का तरीका सेम होता है, है ना तो मेरी कोशिश जानबूझ करके इतना डिटेल में रही जिससे कि आप समझ पाओ देखो स्टार्टिंग uh, लाइन में कहीं पर भी रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं किया गया बेटा है ना तो देखो कॉमा यूज किया गया जब कॉमा यूज किया गया होता है तो इन सबको हम लोग इजिली एड कर सकते हैं तो हमने कहा सर सिक्सटी परसेंट सिक्सटी परसेंट मतलब हो गया साठ सौ uh, का साठ परसेंट मतलब साठ ही राइट तो अगर 100 में साठ रुपया उसने खर्च कर दिया तो बचाया कितना 40 इस 40 का एक चौथाई क्वेश्चन ने कहा है इतने रुपए के बराबर है इस 40 का एक चौथाई मतलब टेन तो टेन रेशियो बराबर इसके वन रेशियो बराबर ये हमसे पूछा गया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब 14, क्योंकि सौ का फोर्टीन परसेंट फोर्टीन होगा 14 की वैल्यू निकाल दी आपने सेवन वन सेवन फाइव इजी अगला क्वेश्चन करें अभी अगला क्वेश्चन किया जाए अगला क्वेश्चन किया जाए तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर यह रहा परफॉर्म करें आप देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा आप धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा आपके क्वेश्चन का है ना चलो परफॉर्म करो सारे बच्चे हाँ इस क्वेश्चन में हम चेन रूल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम चाह नहीं रहे कि चेन रूल अभी आप यूज़ करो पहले तो यहां पर क्लैरिटी होना जरूरी है है ना हम चेन रूल भी सिखा देंगे कभी पेड बैच में अपने या फिर कभी और कोई सेशन हुआ तो अगर नहीं सीखे हो तो बट ये पता होना जरूरी है बहुत ज़्यादा ये लार्जर पिक्चर में कि क्या होता है कैसे होता है ये जो हम लोग बाइफरकेशन करते हैं ये बहुत जरूरी है ठीक है तो अभी आप इस मेथड को ध्यान में रखो अपने चलो पाया <laughs> इतना बड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन ही बड़ा है लेकिन आ, जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो बहुत आसान है बहुत आसानी से समझ पाओगे ठीक है डरना मत क्वेश्चन को देख करके शिम्पीज़ मैथमेटिक्स टेस्ट हैड प्रॉब्लम्स, ठीक है दैट इज टेन अर्थमेटिक थर्टी अलज्रा थर्टी ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स ठीक है ओके ठीक है देखो टोटल क्वेश्चंस कितने है? 75 हैं सेवेंटी फाइव क्वेश्चन है ठीक है जिसमें से दस जो है वो अर्थमेटिक के हैं ठीक है बच्चों दस जो है अर्थमेटिक के हैं और थर्टी जो है वो अल्जबरा के हैं ठीक है एंड थर्टी फाइव जो है ज्योमेट्री के हैं ठीक है पढ़ते हैं आगे क्या बोला गया ऑल दो शी आंसर्ड सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ दर्थमेटिक अच्छा सेवेंटी परसेंट सॉरी अर्थमेटिक सेवेंटी परसेंट इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं कितने टोटल सेवेंटी परसेंट अटैम हुआ है टेन का सेवेंटी परसेंट तो कितना होगा सेवन ही तो होगा यानी कि दस क्वेश्चन टोटल थे अर्थमेटिक के जिसमें से उस बच्चे ने बच्ची ने

अच्छा ज्योमेट्री में है कितने पैंतीस पैंतीस का साठ परसेंट उसने सिर्फ अटेम्प्ट किया है राइट साठ परसेंट साठ परसेंट मतलब होता है तीन बटे पांच पांच से डिवाइड किया सेवन सात्रिक इक्कीस बोलो हाँ ना सारे बच्चे यानी कि उसने सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी वन क्वेश्चन ही उसने अटेम्प्ट किया है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ठीक है तो यानी कि टोटल क्वेश्चन यहां है

क्योंकि उसने जितना अप्रोप्रिएट यानी कि जितना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन सही कर रहे थे वो नहीं कर पाई है है ना जितना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन सही कर रहे थे वो नहीं कर पाई अच्छा किया कितना उसने उसने फिर कितने क्वेश्चन सही किए हैं सारे बच्चे इसको जोड़ बताएंगे इसमें ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी वन दिख रहा है कुछ याद आ रहा है राम और श्याम है ना यानी कि वन प्लस टू थ्री इलेवन से मल्टीप्लाई थर्टी थ्री प्लस सेवन यानी कि फोर्टी यानी कि उसने सिर्फ और सिर्फ चालीस क्वेश्चन ही करेक्ट किए हैं ठीक है और करने कितने थे करने थे सिक्सटी परसेंट ऑफ द सॉरी शी डिड नॉट पास टेस्ट बिकॉज शी गॉट लेस 60% टोटल uh, 60%. 60 करना था उसको है ना सिक्सटी परसेंट करना था टोटल प्रॉब्लम सेवेंटी फाइव और इसका सिक्सटी परसेंट उसको कहीं ना कहीं करेक्ट करना था तो सेवेंटी फाइव का सिक्सटी परसेंट कितना होता है बताओ यानी कि तीन बटे पांच पंद्रह पंद्रह पैतालीस यानी कि पैतालीस क्वेश्चन सही करने थे बच्चों पैतालीस क्वेश्चन सही करने थे इसके अकॉर्डिंग लेकिन किया उसने सिर्फ चालीस क्वेश्चन तो कितने और करने पड़ेंगे उसको फाइव क्वेश्चन उसको और करने पड़ेंगे तब जाके कहीं ना कहीं वो पास हो पाएगी तो यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट right ऑप्शन क्लियर हो गया सारे बच्चों को अच्छे से शिम्पी बिचारी फेल होते होते बच गई है ना हमने इसका पांच क्वेश्चन और करेक्ट करा दिया है कि नहीं लड़कियां फेल होती हैं तो थो थोड़ा सा बुरा लगता है मतलब मैंने अपने जीवन में किसी लड़की को फेल होते नहीं देखा कभी मतलब नहीं देखा सच में रिकॉर्ड रहा है मैंने अपने लाइफ में और ऐसा नहीं लड़कियां मस्ती नहीं करती ऐसा ही लड़कियां खेलती कूदती नहीं है ऐसा लड़का ऐसा भी नहीं कि लड़कियां घूमती फिरती नहीं सब कुछ है पता नहीं क्या दिव्य शक्तियां लेके पैदा हुई हैं है ना लड़के थोड़ा सा घर से बाहर निकल जाए तो फेल हो जाते हैं लड़कों घर में, लड़कों को को घर में अगर फोन दे दिया जाए तो बेचारे फेल हो जाते हैं वो अगर बर्थडे पार्टी में चले जाए तो बेचारे फेल हो जाते हैं मतलब लेकिन लड़कियां जो कि फीमेल एफ से स्टार्ट होता है लेकिन एफ मतलब फेल कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है ना चलो अच्छी बात है तो फाइव क्वेश्चन वुड बी द राइट आंसर ठीक है चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा परफॉर्म करें सारे बच्चे <laughs> चलो ये क्वेश्चन करो देखो अब थोड़े से बड़ बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं ध्यान से देखो गजब भेजती है लड़कों की अरे हम देखें यार मतलब मेरे मेरा एक फ्रेंड था नाम नहीं लूँगा मैं <laughs> उसकी कहानी तो मतलब नेक्स्ट लेवल पे। है वो मैं जब ग्रेजुएशन करा था तो उसने मेरे साथ एडमिशन लिया था मतलब कॉलेज में ही हम लोग फ्रेंड बने थे ठीक है मैंने मैंने बीएससी कर रखा है बीएससी विद मैथ्स तो मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे साथ था मैं सेकंड ईयर में था तो भी वो मेरे साथ था मैं थर्ड ईयर में पहुंचा तो भी वो मेरे साथ था मैं कॉलेज पास कर गया और यहाँ पर आ गया तो भी मैं उसके साथ हूँ वो मेरे साथ है बट उसका आज भी बी फर्स्ट ईयर क्वालिफाई नहीं हो पाया <laughs> मतलब वो जब मेरे साथ एडमिशन लिया था वो तब भी बी फर्स्ट ईयर में था और जब मैं सेकेंड ईयर में गया तो भी वो बी फर्स्ट ईयर में ही था बट बैठता मेरे साथ था क्योंकि उसको मेरा साथ पसंद था मुझे उसका <laughs> और मैं जब थर्ड ईयर में गया तो भी वो मेरे साथ ही बैठता था बट उसने फर्स्ट ईयर क्वालिफाई नहीं किया और आज भी वो बी एस क्वालिफाइड नहीं है तो ये लड़कों की कहानी होती है <laughs> चलो ये वाला क्वेश्चन क्रैक करो सारे बच्चे सर बेस्ट फ्रेंड चलो अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे मिस्टर केशो अच्छा छोड़ो मिस्टर केशो गेव फोर्टी परसेंट ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ ठीक है ही आल्सो गेव ट्वेंटी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू ईच ऑफ हिज थ्री सन्स ओके हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वॉज स्पेंड ऑन मिसलेनियस आइटम एंड अमाउंट ऑफ रुपीज बारह हजार वॉज डिपोजिटेड इन द बैंक हाउ मच मनी डिड मिस्टर केशव हैव इनिशियली कैसे करोगे कैसे करोगे बताओ बहुत प्यारा क्वेश्चन है कैसे किया जाएगा ध्यान से समझते हैं ठीक है देखो टोटल उसके पास जो उसका क्या है मनी है टोटल इनकम बोलते हैं चाहे जो बोलो ठीक है टोटल इनकम ले लेते ले हैं नाम टोटल इनकम ले लेते हैं लेट सपोज सौ है रेशियो में ठीक है सौ है अब क्वेश्चन परसेंट उसने अपनी वाइफ को दे दिया ठीक है तो सौ का चालीस परसेंट कितना होता है बच्चों चालीस होता है ठीक है फिर क्या बोला गया ही ऑल्सो गेव ट्वेंटी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट देखो आ गया वर्ड आ गया देखो रिमेनिंग अब आप 20 को और 40 को बच्चों ऐड नहीं कर सकते हो यही चीज हम सिखाना चाह रहे थे अब इस फोर्टी को, को आप ऐड करके नहीं लिख सकते हो कि 60 उसने खर्च कर दिया नहीं 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 है ना अब आप इनको ऐड नहीं कर सकते हो क्योंकि इन दोनों के बीच में राज और सिमरन के बीच में अमरीशपुरी आ चुके हैं कौन रिमेनिंग वर्ड समझ पा रहे हो अब इन दोनों के बीच में कौन आ गया रिमेनिंग वर्ड आ गया तो अब इनको आप ऐड नहीं कर सकते अब आपको पहले रिमेनिंग निकालना पड़ेगा ठीक है यानी कि देखो फोर्टी परसेंट हो गया अब आपको पहले रिमेनिंग पता करना पड़ेगा ठीक है रिमेनिंग कितना साठ सौ का चालीस परसेंट चालीस तो बचा कितना साठ ठीक है इस साठ में क्या हुआ इस 60 में हमेशा समझ गई हा? इस 60 का ट्वेंटी परसेंट उसने हर एक बच्चे को दे दिया तीन बच्चे हैं उसके इस साठ का ट्वेंटी परसेंट उसने अपने तीन बच्चों को दे दिया ट्वेंटी परसेंट कितना होता है साठ का ट्वेंटी परसेंट कितना होगा बच्चों हमने बारह होगा तो बारह मतलब तीनों को दिया गया है बारह इधर भी बारह इधर भी बारह इधर भी, भी। हम्म हाफ ऑफ द अमाउंट लेफ्ट अगेन देखो यानी कि अगर उसने छत्तीस छत्तीस उसने खर्च कर दिया तो चौबीस बचा अब क्वेश्चन क्या बोला है हाफ ऑफ द अमाउंट लेफ्ट जितना अमाउंट बचा है रिमेनिंग यानी कि 24 उसका yani yani आधा उसने क्या किया मिसलेनियस आइटम पे खर्च किया है यानी yani कि 24 का आधा कितना बारह है ना ₹12 उसने अपने मिसलेनियस आइटम पे खर्च कर दिया इधर-उधर के फालतू कामों में है ना मिसलेनियस सामान पे खर्च कर दिया एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹12000 वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक यानी कि बचा कितना अगर 12 24 में से 12 अगर मिसलेनियस पे खर्च कर रहा तो बचा कितना 12 यानी कि ये जो 12 बच रहा है इसे उसने बैंक में जमा कर दिया बस यही है क्या इतने हिस्से में किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट हुआ क्या इतने हिस्से में किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट हुआ क्या इतने हिस्से में क्या इतने हिस्से में किसी बच्चे को जरा सा भी देखो coincidence देखो मैं जिसके बारे में बात कर रहा था और मैं जब पीछे घूम के देखा तो नाम भी कहीं ना कहीं कोई कुदरत का करिश्मा देखो कितना तेजस्वी होगा ये इंसान है इतना तेजस्वी होगा ये इंसान मतलब पीछे नाम लिखा था और मेरे दिमाग में वही थॉट आया ठीक है देखो यहां पर क्या है बैंक uh, डिपॉजिट कितना किया बारह रेशियो में और एक्चुअली किया कि बारह हजार के ठीक है तो वन की वैल्यू क्या होगी अगर बराबर हो रहा है बारह हजार के डिवाइड तो करेंगे यानी एक हजार बच्चों वन की वैल्यू क्या हो जाएगी एक हजार प्रश्न किया गया उसकी टोटल इनकम है ना इनिशियली तो यानी कि सौ की वैल्यू बताओ यानी कि एक हजार का हम सौ से गुणा कर देंगे तो वन ट्रिपल जीरो डबल जीरो है ऑप्शन में तो दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है ऐसा होगा नहीं एग्जाम में किसी में एक जीरो कम होगा ठीक है क्लियर हो गया हर एक बच्चे को हर एक बच्चे को अच्छे समझ में आ गया ईच नहीं पढ़ा था ना मैं समझ गया था यही चीज तो हम सिखाना चाह रहे थे देखो यहां पर ईच वर्ड की वजह से कई सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे ना बीस परसेंट तो ये कहीं ना कहीं इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए क्वेश्चन हम लेकर आए थे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो होता है खेल कर देता है आपके साथ ठीक है आगे बढ़े क्लियर हो गया अच्छे से किसी बच्चे कोई डाउट नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं देखो हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं टोटल उसके पास सौ रुपए रहा होगा हाँ जी है फोर्टी परसेंट उसने अपनी वाइफ को दे दिया यानी कि फोर्टी परसेंट मतलब चालीस रुपए उसने अपनी वाइफ को दे दिया क्वेश्चन ने कहा है ट्वेंटी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग यानी कि अमरीशपुरी बाबू जी आ गए है ना देख पा रहे हो राज और सिमरन के बीच में बापू जी आ गए इनके यानी कि ट्वेंटी परसेंट अब आप दोनों परसेंट इसको जोड़ नहीं सकते पहले आपको रिमेनिंग निकालना पड़ेगा तो सौ का अगर चालीस रुपए कर दिया तो बचा कितना साथ। इस साथ का बीस वो अपने तीन बच्चों में बांट रहा है मतलब तीनों को दे रहा है है ईच बोला गया तो साठ का बीस परसेंट तो को भी दिया दूसरे को भी दिया तीसरे को भी दिया छत्तीस रुपए उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना तो हमने कहा सर साठ में से हमने छत्तीस माइनस कर देना है बचा चौबिस अब इस चौबीस को यानी कि जो बचा उसका आधा चौबीस का आधा कितना बारह उसने किसमें खर्च कर दिया मिसलेनियस आइटम्स में अब जो बच रहा है वो बैंक में जा रहा है यानी कि चौबीस का बारह अगर खर्च हो गया तो बारह बचा बैंक में गया और बैंक में रेशियो में कितने में गया है बैंक में हमने सर रेशियो में और एक्चुअल में कितना गया है बारह हजार यानि कि हो गया बारह हजार के तो वन जाएगा, एक हजार के हमसे टोटल इनकम पूछी गई यानी कि सौ से गुड़ा कर दो ये आपका राइट आंसर ठीक है चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा परफॉर्म करें सारे बच्चे बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड में एडमिशन लेगा तो पास हो बेटा ग्रेजुएशन में बोर्ड नहीं होता अच्छे से क्लियर हो गया क्या बात है बहुत बढ़िया अरे वाह शुक्रिया शुक्रिया दीक्षा बेटा ये तो हो चुका है ना ये क्वेश्चन तो आप लोग पहले भी कर चुके हो अभी भी थोड़ी देर पहले किए थे इसी में का एक क्वेश्चन है सर आप ये रेड शर्ट मत पहना करो क्यों भाई आप पर सही नहीं लगती है अच्छा चलो ठीक है ध्यान रखेंगे आज से वेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वॉज डिक्रीज बाई टेन परसेंट प्राइस जो है वो डिक्रीज कर गया बच्चों है ना यानी कि प्राइस ओल्ड और हम न्यू की बात करेंगे ठीक है टेन परसेंट डिक्रीज कर गया बेटा

यानी कि प्रोडक्ट्स कह सकते हो है ना पहले दस बिक रहे थे अब तेरा बिक रहे बोलो ये सेलिंग प्राइस मत समझ लेना है ना ये कह सकते हो प्रोडक्ट्स जितने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उसकी बात हो रही है ये प्रोडक्ट्स सोल्ड लिख देते हैं ठीक है जैसे कंफ्यूज ना हो ये प्रोडक्ट सोल्ड है कितने प्रोडक्ट्स पहले बिकते थे दस अब कितने बिक रहे हैं तेरह बिक रहे हैं ठीक है तो अगेन सक्सेसिव अप्रोच लगाएंगे मल्टीप्लाई कर दो इसको सो हो गया मल्टीप्लाई कर दो 117 हो गया तो पूछा गया कितना रेवेन्यू में चेंज आया है इफेक्टिव चेंज पूछा गया है पहले 100 था अब 117 हो गया कितना बढ़ गया हमने 117 बढ़ गया कहाँ से हमने सौ से प्रतिशत निकालना है गुणा कर दिया सौ से यानी कि 17% वुड बी द राइट आंसर इजी चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से ये तो कर लोगे ना आसान है देना भाई यार पानी पहुंचवा देना पानी पहुंचवा देना पानी हो गया सर आप हर कलर में अच्छे लगते हो देखो दीक्षा सबसे अच्छी है दीक्षा सबसे प्यारी बच्ची है हमेशा मेरी तारीफ करती है If the numerator of a fraction be increased by 15% and its denominator be diminished मतलब कम करना by 8% अच्छा आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया गया है मुझे याद है क्योंकि मैंने सिखा रखा है आप लोग को कि जब भी बाई से कोई परसेंटेज इंक्रीज करते हैं जिन बच्चों ने नहीं सीखा वो नोट कर लें बाई लेटर के साथ कहीं पर अगर ट्वेंटी परसेंट हम इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम मल्टीप्लाई वन ट्वेंटी परसेंट से करते हैं ये हर एक बच्चे को पता है ना याद कराया गया ना कि अगर इंक्रीज करें तो हंड्रेड एड करके हमेशा याद रखना हंड्रेड में हम जोड़ करके मल्टीप्लाई करेंगे अगर बाई लेटर के साथ हमें इंक्रीज uh, करना है मान लो वन थर्टी लेट सपोज है ना इंक्रीज करना है तो हम हंड्रेड एड करके यानी कि

टू वन ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज करो तो आप में यहां पर हंड्रेड परसेंट एड नहीं करना होगा आप डायरेक्टली वन ट्वेंटी परसेंट से मल्टीप्लाई करोगे यही चीज सीखनी है यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन में अगर टू वर्ड आता है तो भी वो हंड्रेड एड करके ही मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो ये याद रखें जहां पर भी क्वेश्चन नोट कर रहे हैं ऊपर हेडिंग पे इसको नोट कर लें ठीक है ओके चित्रा का कहना है सर यू आर ऑलवेज लुकिंग स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट कलर डजेंट मैटर क्या बात है बहुत बढ़िया चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर देखो टर फ्रैक्शन बी इंक्रीज बाय 15 परसेंट ठीक है तो न्यूमरेटर अपॉनोमीटर ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन रहा होगा इसे इंक्रीज किया गया है 15 से तो 100 ऐड करके हम मल्टीप्लाई करेंगे सौ में आठ हमने घटा दिया तो नाइनटी परसेंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया पंद्रह बटे सोलह हो गई फाइंड दिनल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं कि आपको देखो प्रतिशत तो कट जाएगा ना यहां से भी यहां से भी इजी तो हमें एन अपॉन डी चाहिए ये है पंद्रह ये है सोलह ये हो जाएगा नाइन्टी टू ये हो जाएगा एक सौ पंद्रह कितना आंसर आ रहा है तीन बटे चार ठीक है सिंपलीफाई करोगे करो तो तीन बटे चार अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों चलो कमाल है बहुत शानदार बहुत प्यारे बच्चे चलो ये वाला क्वेश्चन करो paniha. Shukriya, shukriya, shukriya. हो गया हो गया है ना आसान है ये भी हो जाएगा इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ रीडिफाइंड अच्छा रिफाइंड सॉरी रिफाइंड ऑयल रोज बाई टी फाइव परसेंट ये रोज गुलाब वाला रोज नहीं है ये रोज गुलाब वाला रोज नहीं है ये वाला रोज है राइज रोज है ना सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद है देखो इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं बच्चों को अपने क्या बात है देखो प्राइस जो है वो 25 परसेंट बढ़ गया पहले 100 था अब 125 हो गया क्वेश्चन हो गया है सॉरी बाई हाउ मच परसेंट मस्ट दर्सन रिड्यूस एक्सपेंडिचर इट नॉट इंक्रीज मतलब जो उसका खर्चा है वो चेंज नहीं हो रहा है उसका जो खर्चा है वो चेंज नहीं हो रहा है वो सेम है है ना मतलब वो सेम टू सेम खर्च करना चाह रहा तो उसको अपने कंजम्पशन को कितना कम करना पड़ेगा है ना अपने कंजम्पशन को कितना खर्च करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन में पहले जो खपत थी उसकी उसको कितना कम करना पड़ेगा क्योंकि उसको कॉस्ट उतना ही बियर करना है तो याद रखें जो कॉस्ट होती है अगर वो सेम है मतलब जो आप खर्च करना चाह रहे हो जो आपका एक्सपेंडिचर है देखो क्या लिखा है एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज मतलब एक्सपेंडिचर अगर सेम रखना चाहते हो अगर एक्सपेंडिचर सेम है बच्चों इफ एक्सपेंडिचर इज सेम अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो हमारे पास जो प्राइस होता है ना उसको अगर हम पलट दें तो हमारे पास कंजम्पशन का रेशियो आ जाता है पता ही ये बात आप लोग को मतलब पहले का रेशियो क्या है हमने कहा सर ये फोर और ये फाइव रेशियो में है रेशियो की अगर हम बात करें तो फोर रेशियो फाइव है अगर इसे हम पलट देंगे तो हमारे पास कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा जिन बच्चों को नहीं पता वो नोट कर लें तो रेशियो क्या आ गया फाइव रेशियो फोर हो गया मतलब पहले का फाइव अब फोर मैंने पहले आप फाइव यूनिट्स कंज्यूम करते थे अब आपको फोर यूनिट कंज्यूम करना पड़ेगा ऐसे ही तो होता है ना घर में याद होगा आप लोग को जब प्याज के दाम बढ़ जाते थे तो हम लोग को प्याज कम खिलाई जाती थी है ना कच्ची प्याज नहीं मिलती थी वही चीज यहां पर बोली जा रही कि घर वाले खर्चा एक्स्ट्रा नहीं करते वो एक्सपेंडिचर अपना नहीं बढ़ाएंगे आपको अपनी खपत कम करनी पड़ेगी तो प्राइस बढ़ गया पहले चार था अब पांच हो गया तो आपका कंजम्पशन अब घट जाएगा पहले आप कंज्यूम पांच यूनिट किया कर देते हैं अब आप सिर्फ और सिर्फ चार यूनिट कर रहे हो तो यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि कितना हमें अपनी खपत को कम करना होगा तो पहले पांच अब चार कितना हमने कम कर दिया हम एक प्याज अब कम खा रहे हैं पहले हम पांच खा रहे थे अब हम चार खा रहे हैं कितने से पांच से यानी कि वन पॉइंट फाइव इन हंड्रेड ठीक है, समझ में आ गया सारे बच्चों को यह प्याज वाला कंसेप्ट समझ में आ गया अच्छे से इसको नोट कर लो कहीं पर क्या नोट करना है यदि ऐसे लिखो इफ एक्सपेंडिचर इज सेम सारे बच्चे इफ एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च यानी कि व्यय इफ एक्सपेंडिचर इज सेम देन इनवर्स ऑफ प्राइस रेशियो इनवर्स ऑफ प्राइस रेशियो प्राइस का जो रेशियो होगा उसको अगर हम पलट देंगे इनवर्स ऑफ प्राइस रेशियो वी गेट रेशियो ऑफ कंजम्पशन, ठीक है इसको नोट कर लिया अच्छे से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा परफॉर्म करें सारे बच्चे ऐसा ही तो होता था यार इसमें फ़नी क्या है एक्सप्लेनेशन वॉज सो फनी इसमें फ़नी क्या है पहले हम लोग नहीं अचानक से प्याज के दाम कई बार हुआ हमारे देश में है ना प्याज की कीमतें एकदम से बढ़ जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग घर में फिर प्याज बटना कम हो जाती है प्याज कच्ची नहीं मिलेगी सब्जी के लिए ही सफिशेंट है वही चीज़ है तो हम लोग पहले पाँच खाया करते थे अब चार खा रहे हैं कितना कम हो हम गया हम लोग सर एक कम हो गया पहले कितना था पाँच तो एक बटे पाँच गुड़े सौ सिंपल चलो ये क्वेश्चन क्रैक करो जल्दी से सारे बच्चे विभत कुमार सर आप रेड टी शर्ट में टमाटर लगते हो अभी भिंडी गोभी आलू टमाटर कुछ और अगर समझ में आ रहा हो तो बता दो मतलब रेड टी शर्ट नहीं पहनने गुनाह कर लिया है बच्चे को बच्चों का को क्वेश्चन को पर ज्यादा दिमाग नहीं है मेरे टी शर्ट पर ज्यादा है कोई कह रहा है सर रेड टमाटर लगते हो कोई कह रहा सर अच्छे नहीं लगते हो कोई कह रहा सर बहुत अच्छे लगते हो हम्म देखो विद्वान सर्वत्र पूजते और हम ठहरे विद्वान <laughs> तो हम कुछ भी पहने ठीक है सर आप इंस्टा पे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देते हो हमेशा बेटा डेढ़ सौ मैसेजेस आए होते हैं डेढ़ सौ वो तो हम कहो रात रात में कभी फ्री होते हैं तो हम एक बार जब देखना शुरू करते हैं तो फिर उस टाइम पे हम रिप्लाई कर देते हैं है ना चलो चलो अच्छा बस हो गया देखो क्वेश्चन देखो अस्ट्रीब्यूट टेन परसेंट एटीन परसेंट एंड ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ हिस्स सैलरी इन टू थ्री चिल्ड्रेन हु स्पेंड फोर्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ दैट अमाउंट रिस्पेक्टिवली कर लोगे ना कर लोगे ना बच्चों देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को पहले क्या है पहले है सौ ठीक है मान लो जो इनकम है मैन की मैन की जो इनकम है वो कितनी है सौ है तीन लोगों में बांटी जा रही है इनकम ये ठीक है थीके? तो सौ दस का दस परसेंट हमने कहा सर दस सौ का अठारह परसेंट हमने कहा सर अट्ठारह और सौ का बाईस परसेंट हमने कहा सर बाईस तीन बच्चों में बांट दिया गया ठीक है ये पहले बच्चे को फर्स्ट ये सेकेंड बच्चे को ये थर्ड बच्चे को तीन अलग अलग बच्चों को बांटा गया मतलब अपने ही बच्चों को

तो क्वेश्चन क्या है कि पहला बच्चा जो है फोर्टी परसेंट अपनी इनकम का खर्च कर देता है ठीक है सौ का फोर्टी परसेंट लिख देते हैं सौ का फोर्टी परसेंट रुपए कर दिया तो साठ परसेंट कितना होता है एक सौ अस्सी का अठारह एक सौ आठ एक सौ आठ खर्च कर दिया और तीसरे ने ट्वेंटी फाइव परसेंट खर्च कर दिया वन फोर्थ है ना यानी कि फिफ्टी फाइव बोलो यानी कि 220 का आधा करो 110, 110 का आधा करो 55। यानी कि इतना रुपए उसने मतलब तीनों बच्चों ने खर्च कर रखा है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट लेफ्ट विद द विदिल्रेन एंड द मैन ओके अच्छा मैन के पास कुल कितना रुपए बचा बच्चों मैन के पास जो जो पिताश्री हैं उनके पास कुल कितना रुपए बचा देखो उनके पास टोटल हजार रुपए था है ना हजार रुपए था उन्होंने उसमें से 100, 180 और 220 रुपए बांट दिया कितना बांटा होगा बताओ हो? 220 में 180 जोड़ो कितना होगा चार सौ होगा हाँ जी और सौ और जोड़ दो पांच सौ होगा यानी कि पांच सौ रुपए उन्होंने अपने बच्चों में बांट दिया तो पांच सौ दें तो पिताश्री के पास बचा कितना हमने कहा सर पांच सौ पास सिर्फ और सिर्फ पांच सौ बच्चा अब बच्चों के पास कितना बचा होगा बच्चों के पास टोटल कितना है और बच्चों ने खर्च कितना किया है ये दो चीजें ध्यान देनी है बच्चों के पास टोटल कितना है ये बच्चों के पास टोटल अमाउंट है है ना सौ एक सौ अस्सी और दो सौ बीस यानी कि पांच सौ बच्चों के पास टोटल पांच है जिसमें से बच्चों ने खर्च कितना कर दिया है ये खर्च किया गया है बच्चों के द्वारा ठीक है इनको सम कर दो जल्दी से सारे बच्चे यानी कि पचास चालीस नब्बे एक नब्बे, और तेरह दो सौ तीन चेक करो यही आएगा समोटल दो सौ तीन रुपए खर्च किया गया है सारे बच्चे देखें एक बार चेक करें आठ पांच तेरह ठीक है पंद्रह चार उन्नीस एक बीस ठीक है यानी कि दो सौ तीन रुपए मतलब बच्चों को दिया गया था टोटल बच्चों के पास था टोटल पांच सौ रुपए मिलाकर के दो सौ तीन रुपए खर्च कर दिया समझ पा रो कि नहीं पा रहे हो इस बात को पहले यहां तक आ, रिप्लाई करो यस और नो में यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है डेटा रिप्लाई बच्चों हर एक बच्चे को यहां तक का डेटा क्लियर है किसी बच्चे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पिताश्री के पास एक हजार रुपए था एक हजार में से टेन परसेंट दे दिया पहले बच्चे को यानी कि सौ एटीन परसेंट यानी कि एक सौ अस्सी ट्वेंटी टू परसेंट यानी कि दो सौ बीस दे दिया ठीक है पिताश्री ने पिताश्री ने पांच सौ रुपए बांट दिया तो पांच सौ जब दे दिया तो बचा कितना पिताश्री के पास हमने कहा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पांच सौ है अब बच्चों के पास सौ आ गया एक सौ अस्सी आ गया दो सौ बीस आ गया तो तीन बच्चे तीनों बच्चे बिना कपड़ा पहने है ना छोटे छोटे थे सब चड्डी भी बिना में ही बाहर निकल लिए है, है ना कुछ ना कुछ खरीदने तो पहले वाले बच्चे ने फोर्टी परसेंट खर्च कर दिया यानी कि चालीस रुपए दूसरे बच्चे ने सिक्सटी परसेंट खर्च कर दिया यानी कि एक सौ आठ रुपए दो सौ बीस रुपए में से तीसरे बच्चे ने पच्चीस परसेंट खर्च कर दिया यानी कि पचपन रुपए यानी कि टोटल उनके पास पांच रुपए था खर्च कितना कर दिया दो सौ तीन रुपए तीनों बच्चों ने मिलाकर के खर्च कर दिया तो उन्होंने बचाया कितना मतलब बच्चों ने कितना बचाया मतलब बच्चे बचाते हैं देखो कितनी अच्छी बात है तो बच्चों ने जो बचाया है वो कितना है टू है ना हाँ टू बच्चों ने बचा लिया ये टू बच्चों ने बचा लिया और पिताजी पिताजी ने कितना बचाया है पांच ठीक है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट लेफ्ट विद द चिल्ड्रन एंड द मैन अच्छा देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस रेशियो में कितना है पांच और टू के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों दो का है ना डिफरेंस जो आ रहा है दो सौ का आ रहा है रेशियो में 203 का आ रहा है और एक्चुअल कितने का है हमने सर 1015 का है यानी कि रेशियो वैल्यू क्या होगी हमने सर पांच रुपए होगी प्रश्न क्या है व्हाट इज द सैलरी ऑफ द मैन यानी कि आपको 1000 रेशियो की वैल्यू निकालनी है ऑप्शन बताओ क्लियर हो गया क्लियर हो गया अच्छे से आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चले चलो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा परफॉर्म करें सारे बच्चे अरे अभी खत्म नहीं हुआ है वैशाली पाल थैंक यू फॉर द अमेजिंग सेशन अरे खत्म होने तो पहले ये तो लास्ट में बोला जाता है कि सर क्या स्पीच दिया ये तो पहले ही आप ताली बजा दे रहे हो ये तो हमारे स्कूल में हुआ करता था प्रिंसिपल सर हम लोग को बहुत बोर करते थे मतलब गर्मियों के टाइम पे वो स्पीच देते थे अपना एकदम धूप हम लोग असेंबली में खड़े हैं एकदम भयंकर रूप से धूप निकली हुई है बच्चे बेहोश होकर गिरे जा रहे हैं वो स्पीच देते जा रहे हैं ही नहीं रहा कोई तो हम लोग कैसे रोकते थे पता है हम लोग सीनियर स्टूडेंट थे इलेवन्थ ट्वेल्थ में तो हम लोग क्या करते थे पूरी पूरी रो हम लोग की जब सर स्पीच दे रहे हैं, तो सारे सारे बच्चे क्लैप करना शुरू कर दे रहे हैं। और जब हम लोग कर रहे हैं, तो बाकी पूरी क्लास कर रही फिर हम लोग देखे, देखे, तो, मतलब एक, एक तो एक तरफ से क्लैपिंग होना शुरू हो रही पूरी पूरी नर्सरी के तक के बच्चे जो हैं वो भी फिर क्लैप कर रहे हैं एक बार करते थे दो बार करते तीन बार थोड़ी देर बाद वो खुद ही ऑफ हो जाते थे चलो ठीक है मतलब समझ में आ गया बच्चे नहीं सुनना चाह रहे चलो अब ये क्वेश्चन करोल सैलरी ऑफ ए इज थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंटेज ऑफ द टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी बी सेवसटी परसेंट ऑफ इज सैलरी एंड टोटल सेविंग्स ऑफ ए एंड बीज फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल इनकम दर एवरेज एक्सपेंडिचर इज रुपीज सोलह हजार वट इज द टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी बढ़िया क्वेश्चन है प्यारा क्वेश्चन है लिहो कवई का ड्रीम क्या है असेंबली में बेहोश के गिरने वाला जो ड्रीम था वो ड्रीम ही रह गया इनका

यानी कहेंगे मतलब ये है कि 37.5 टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी मतलब टोटल सैलरी है ये यानी कि अगर टोटल सैलरी है जिसमें कि ए की सैलरी क्या हो जाएगी फिर तीन बच्चों टोटल सैलरी अगर आठ रुपए होगी तो ए की सैलरी क्या होगी उसमें हमने सर होगी ठीक है तो फिर बी की कितनी होगी अगर आठ में से तीन रुपए ए ने ले लिया तो बी को कितना मिला हमने सर बी को मिला पांच है कि नहीं अच्छा वायरल मैथ्स के बारे में बताएं तो वायरल मैथ्स जिस कंसेप्ट के साथ शुरू किया गया था जिस सोच के साथ शुरू किया गया था मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि ये इतना प्यार पाएगा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है हमारे एड ट्वेंटी फोर सेवन की तरफ से तो जो हमारे वायरल मैस के बच्चे उनको जानकर खुशी होगी जो सुबह सुबह छः बजे उठते हैं लाइव सेशन देखते हैं जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ चाहे एस क्लर्क हो चाहे आर हो चाहे आर बी आई क्लर्क हो कोई भी मतलब किसी भी जो भी अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है वायरल मैस के होने के बाद है ना वायरल मैस के शुरुआत होने के बाद से हर एक सिलेक्टेड एस्पिरेंट ने वायरल मैथ्स की भूमिका बताई ये मैं शुरू में कहा करता था कि अभी मेरी बात कोई नहीं सुन रहा अभी मेरा मेरा सारे सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं जब बच्चे सिलेक्शन पाएंगे ना जब बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे और जब वो अपने मुंह से बोलना शुरू करेंगे कि वायरल मैथ्स की वजह से ये ये उनके लाइफ में चेंजेस आए हैं तब लोग सुनना शुरू करेंगे और फिर मैं वही बात बोलूंगा पेन हाथ में है टीचर्स ने मेरे से बोला कि नमनीत हम लोगों ने सोचा था कि वायरल मैथ्स क्या ही शो है है ना कोई इसका नाम नहीं लेगा लेकिन बच्चे जब मैथमेटिक्स की बात करो तो बच्चे सबसे पहले वार्स का नाम लेते हैं तो शुक्रिया 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 मेरी जो मेहनत थी कहीं ना कहीं वो उसकी आपने इज्जत रखी और हम चाहेंगे कि और भी ऐसे ही बच्चे सिलेक्शन पाते रहें पाते रहें और एक बड़े लेवल पर एक मुकाम हासिल करें है ना चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर आते हैं तो ए और बी का जो रेशियो है वो थ्री रेशियो फाइव हो चुका है ठीक है अब देखो बी सेव्स अब देखो बी के बारे में बताया गया बी सेव्स सिक्सटी परसेंट ऑफ द सैलरी

टोटल इनकम इनकी है आठ जिसमें से फिफ्टी परसेंट बचा लिया गया है आठ का फिफ्टी परसेंट मतलब चार रुपए बचा लिया गया है ठीक है।, है तो ए ने कितना बचाया होगा समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो ध्यान देखो बी के बारे में डायरेक्ट डेटा दे रखा गया है बी की इनकम है पांच ठीक है और बी का जो इनकम है उसका साठ परसेंट बचाया जा रहा है बी ने साठ परसेंट बचा लिया यानी कि पांच का साठ परसेंट यानी कि तीन रुपए उसने बचा लिया और ए के बारे में नहीं बताया गया अभी टोटल के बारे में बता दिया गया कि टोटल जो इनकी इनकम है 8, उसका बचाया जा रहा रही है तो आठ का फिफ्टी परसेंट यानी चार रुपए बचत कर ली गई अब चार रुपए का टोटल बचत है जिसमें से बी ने तीन रुपए बचाया है तो ए ने कितना बचाया होगा सारे बच्चे बताएंगे सारे बच्चे बहुत तेजी के साथ है। सारे बच्चे कमेंट करेंगे मैंने कहा अगर टोटल सेविंग चार रुपए है बच्चों अगर टोटल सेविंग चार रुपए है जिसमें से बी जो है तीन रुपए बचा रहा है टोटल सेविंग चार रुपए है जिसमें से बी जो है वो तीन बचा रहा है तो ए कितना बचा रहा होगा जाहिर सी बात है, एक रुपये बचाएगा चार में से माइनस यानी कि ए जो है एक बचाएगा ठीक है अब देखो देयर एवरेज एक्सपेंडिचर अच्छा देखो इनकी टोटल इनकम कितनी है अभी हमको मालूम है बहुत अच्छे से आठ है और इनकी टोटल सेविंग्स कितनी है बच्चों टोटल सेविंग्स कितनी है चार ये तो इनका इनकम हो गई और ये इनकी सेविंग्स हो गई टोटल सेविंग्स ठीक है अच्छा ए के बारे में जानना जरूरी था क्या अच्छा ए के बारे में जानना जरूरी था नहीं मैंने जबरदस्ती मेहनत कर दी चलो कोई बात नहीं ठीक तो है, है तो इनका एक्सपेंडिचर कितना होगा एक्सपेंडिचर होगा आठ रुपए ये टोटल कमा रहे हैं चार रुपये टोटल बचा रहे हैं तो चार खर्च कर रहे होंगे ठीक है क्वेश्चन कहा है देयर एवरेज एक्सपेंडिचर इज सोलह हजार रुपए रेशियो में इनका एक्सपेंडिचर चार है तो एवरेज कितना होगा हमने टू से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज एक्सपेंडिचर आ जाएगा दो रेशियो में अगर हम देखें एवरेज तो दो आ रहा है और एक्चुअल में कितना एक्सपेंडिचर इनका ठीक है तो वन की वैल्यू क्या होगी हमने सर टू से डिवाइड कर देते हैं एट थाउजेंड तो हमसे क्या पूछा रहा है टोटल सैलरी यानी कि एट की वैल्यू एट थाउजेंड का एट टाइम्स कर देंगे यानी सिक्सटी फोर हाँ, मैं वही देख रहा हूं <laughs> मैंने बेवजह इसके ऊपर इतना फोकस किया नहीं मुझे लगा कि एक ए के बारे में डेटा नहीं दिया गया है तो हो सकता है ए के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा हो है ना तो वो चीज थी चलो कोई बात नहीं आपको तो पता हो गया ना अच्छे से किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन क्लैरिटी है या नहीं है समझ में आ गया होगा अच्छे से है ना एक बार और एक्सप्लेन करते हैं हम एक बार और एक्सप्लेन करते हैं देखो 37.5% के अकॉर्डिंग ए और बी की सैलरी बढ़ गई है यानी कि टोटल सैलरी जो है वो एट है जिसमें से ए को मिल रहा है तीन बी को मिल रहा है पांच ठीक है बी की सेविंग साठ परसेंट की ठीक है बी की सेविंग साठ परसेंट की अच्छा देखा जाए तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं है कोई मतलब ही नहीं है है ना अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन ने तो डायरेक्ट यही रखा है कि सेविंग्स ऑफ ए एंड बी फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल इनकम देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन था बच्चों कितना खतरनाक क्वेश्चन था अगर क्वेश्चन को ढंग से हमने पढ़ा होता तो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था नोटिस करो क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं था ध्यान देखो टोटल इनकम कितनी बच्चों टोटल इनकम है आठ इसमें से ज, मतलब वो भी ए और बी की भी जरूरत नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है है ना टोटल इनकम है एट जिसमें कि ए और बी की इनकम बता दी गई है और क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी की जो सेविंग्स है वो फिफ्टी है ठीक है और सेविंग्स कितनी होगी इनकम का फिफ्टी यानी कि चार तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा हमने सर एक्सपेंडिचर आएगा हमें आठ रुपए कमाया चार, बचाया, चार खर्च किया इस एक्सपेंडिचर का एवरेज कितना होगा टू से डिवाइड कर देते हैं तो टू रेशियो में आ गया और एक्चुअल में हमारे पास जो एवरेज एक्सपेंडिचर uh, है वो कितना है सोलह हजार है तो टू की वैल्यू हो गई सोलह हजार के तो वन की वैल्यू हो जाएगी कितनी आठ हजार के बराबर हमसे क्या पूछा गया है इनकम यानी कि एट की वैल्यू हमसे पूछी गई है देख पा रहे हो क्वेश्चन में क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था है ना क्वेश्चन में ये सब फिर सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए परेशान करने के लिए दिया गया था समझ पा रहे हो अगला क्वेश्चन किया जाए अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से सारे बच्चे बस वही टू से डिवाइड करना था ना और कुछ करना ही नहीं था मतलब ये जो इतना दिया गया था ये सब फालतू की बातें है ना ये सब फालतू की बातें थी देख रहे हो ये सब फालतू की बातें थी ये सिक्सटी परसेंट ये, ये फालतू रतन की गोली मारो सबको फालतू मेरा टाइम बर्बाद किया इसने चलो हाँ अमीशा बेटा है ना सिर्फ ध्यान से रीड करना था ये वही वाली बात हो गई कि एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि लव क्या है तो एक स्मार्ट बच्चा बैक बेंचर बड़े स्टाइल में पूरा लिख के आया पूरी पूरी कथा लव लव यानी प्यार और प्यार दोस्ती है अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो सकती तो मैं उससे प्यार कभी कर ही नहीं सकता बाद में तो चला एग्जामिनर ने लव मतलब राम के बेटे यानी कि कुश के भाई के बारे में पूछ रखा था तो वही है कहानी मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम मर्थमेटिक यही है अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तभी आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है ना वरना कुछ भी लिख के नहीं आना होता है चलो अगला क्वेश्चन चलो <laughs> देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 100 अपॉन 3 परसेंटेज आर इन होटल ए एंड रिमेनिंग आर इन होटल बी देखो ये सब मेंस लेवल के क्वेश्चन हुआ है ना पूरा मिक्स है पूरा का पूरा आज का सेशन प्री और मेंस मिला करके है ठीक है देखो आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 100 अपॉन 3 परसेंटेज आर इन हॉस्टल ए एंड रिमेनिंग आर इन हॉस्टल बी ठीक है करते हैं दो हॉस्टल है एक है ए एक है बी ठीक है थोड़ा सा दूर लिखते हैं देखो एक है हॉस्टल ए और एक है हॉस्टल बी ठीक है आप देखो 100% 100 अपॉन 3 परसेंटेज आर इन होटल ए 100 अपॉन 3% मतलब समझ रहे हो 100 बटे तीन बटे 100 100 बटे तीन बगल में 100 एक बटे 100 है ना 100 बटे तीन बगल में एक बटे 100 100 100 कैंसिल हो गया यानी कि एक बटे तीन की बात हो रही है तो मतलब कि कहने मतलब यह है कि 1 बटे 3 है ना यानी कि तीन बच्चे अगर

स्टूडेंट्स ठीक है आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हंड्रेड पॉइंट थ्री परसेंटेज आर इन हॉस्टल ए ठीक है इफ ट्वेंटी स्टूडेंट्स फ्रॉम हॉस्टल बी आर शिफ्टेड टू हॉस्टल ए देन टोटल स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इफ ट्वेंटी स्टूडेंट्स फ्रॉम हॉस्टल ए आर शिफ्टेड टू हॉस्टल बी देन टोटल स्टूडेंट्स इन हॉस्टल ए बिकम्स वॉट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ठीक है इफ ट्वेंटी स्टूडेंट्स फ्रॉम हॉस्टल बी चलो एक काम करते हैं पहले हमने इसको एक्स दे दिया इसे भी एक्स दे दिया ठीक है इफ ट्वेंटी स्टूडेंट्स फ्रॉम हॉस्टल बी आर शिफ्टेड टू हॉस्टल ए मतलब इसमें से बीस निकल करके इसमें आ रहे हैं तो यानी कि एक्स प्लस ट्वेंटी देखते हैं है ना देन टोटल स्टूडेंट इन हॉस्टल ए बिकम्स फिफ्टी परसेंट और टोटल स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट्स है कितने फिफ्टी हैं अच्छा तो तीन का फिफ्टी निकालना दिक्कत होगी तो इसको हम थर्टी कर दे रहे हैं इसको टेन कर दे रहे हैं इसको टेन कर दे रहे हैं इसको ट्वेंटी कर दे रहे हैं ये और इसका फिफ्टी परसेंट यानि कि पंद्रह यानी कि x की वैल्यू मेरे ख्याल से यहां से आ जाएगी ना hmm, कहा गड़बड़ हो रहा है आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हंड्रेड पॉइंट थ्री परसेंटेज आर इन हॉस्टल ए एंड रिमेनिंग आर इन हॉस्टल बी इफ ट्वेंटी स्टूडेंट्स फ्रॉम हॉस्टल बी आर शिफ्टेड टू हॉस्टल ए 10 ठीक तो है ओके okay, यस yes, ये पंद्रह एक्स होगा ना पंद्रह थोड़ी ना होगा ठीक है ठीक है ठीक है अभी सुनना के okay. <coughs> क्योंकि एक्स माना गया ना इसे तो ये हो जाएगा देखो उधर भेजेंगे तो फाइव एक्स आ गया जो कि ट्वेंटी के बराबर हो गया तो एक्स की वैल्यू फोर के बराबर हो गई तो अब हमारे पास टोटल संख्या आ गई सबकी देखो ए बी और टोटल बच्चे कितने थे हमने कहा थर्टी एक्स थे तो यानी कि चार से मल्टीप्लाई कर देंगे चार थे बारह यानी कि एक सौ बीस हो गए टोटल ए के पास कुल कितने थे हमने कहा टेन एक्स तो यानी कि फोर्टी और बी के पास कितने हैं फोर्टी ट्वेंटी एक्स यानी कि ट्वेंटी इंटू फोर यानी कि एट्टी ठीक है uh, ये अब आते हैं क्वेश्चन पे इफ ट्वेंटी स्टूडेंट्स फ्रॉम हॉस्टल ए आर शिफ्टेड टू हॉस्टल बी यहां से बीस निकल करके यहां चले गए यानी कि यहां पर बीस आ गए तो कितना हो गया हमेशा सौ हो गए देन टोटल स्टूडेंट्स इन हॉस्टल ए अब यहाँ पर बचे कितने यहाँ पर तो सिर्फ बीस बचेंगे तो क्वेश्चन ने पूछा है कि ये जो बीस बच्चे हैं इज वॉट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट टोटल कितने एक सौ बीस अच्छा हो तो क्या फिर है ना बीस बटे एक सौ बीस गुड़े सौ यानी कि सिक्सटीन पॉइंटेज है ये है क्लैरिटी <coughs> आ गई अच्छे से कोई डाउट तो नहीं है कुछ था नहीं क्वेश्चन में है ना बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था होपफुली कर लिया होगा आप लोगों ने एक बार फिर समझा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है एक बार और समझाते हैं ना सेम टू सेम बहुत बढ़िया <coughs> देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हमने क्या किया टोटल स्टूडेंट्स मान लेते हैं सबसे पहले ठीक है बच्चों देखो टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स हम थर्टी मान लिए रेशियो में हमने थर्टी स्टूडेंट्स मान लिए क्वेश्चन है कि A के पास 100 तो इसका हंड्रेड पॉइंट थ्री कितना होता है देखो थर्टी का हंड्रेड पॉइंट थ्री परसेंटेज ऐसे देखो हंड्रेड का थर्टी का हंड्रेड पॉइंट थ्री हंड्रेड 100 100 को मार दिया, 3 ने, दिया 10. A के पास कितना थर्टी तो में से दस माइनस करो यानी कि बीस ये सब बीस ये सारे के सारे वैल्यूज रेशियो में है, है ना चाहे एक्स बोलो चाहे रेशियो बोलो ठीक है क्वेश्चन कहा है यदि बीस बच्चे बी से निकल करके ए में आ जाए बीस तो बच्चे बी से निकल करके ए में आएंगे

इसका 50% तो 30 रेशियो का 50% कितना होता है 15 रेशियो होता है ये ठीक है अब देखो 10 माइनस करेंगे तो यानी कि 5 रेशियो बराबर 20 के है ना तो 1 रेशियो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों नहीं सर 1 रेशियो वैल्यू जाएगी 4 के बराबर क्लियर हो गया 1 रेशियो बराबर 4 के ठीक है अब देखो ए और बी की बात कर लेते हैं अब हमारे पास अगर वन रेशियो की वैल्यू आ चुकी है तो सभी सभी रेशियोज की वैल्यू आ गई मतलब टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे तीस का चार गुना है ना रेशियो की वैल्यू तो तीस का चार गुना टोटल स्टूडेंट्स की संख्या क्या जाएगी हमने सर तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी ए कितना है टेन रेशियो में वन रेशियो फोर है तो टेन रेशियो हमने सर फोर्टी तो ये कितना एट्टी अब आते हैं क्वेश्चन पर अगेन सेकेंड पार्ट क्या है इफ इफ्टी स्टूडेंट्स फ्रॉम हॉस्टल ए आर शिफ्टेड टू बी यानी कि यहां से अगर यहां पर आ जाए तो यानी कि यहां पर कितने बचेंगे फिर यहां पर सिर्फ और सिर्फ बीस बचेंगे तो टोटल का कितना प्रतिशत होगा यानी कि बीस टोटल का कितना परसेंट है यही तो निकालना यानी कि बीस बटे एक सौ कर दो बस इतना सा था क्वेश्चन क्लियर हो गया आगे बढ़े क्लियर हो गया आगे बढ़े चलो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा परफॉर्म करें सारे बच्चे अज्यूम किया बेटा थर्टी जो हमने अज्यूम किया है देखो रेशियो में है अज्यूम किया है, क्यों किया है थर्टी ही क्यों किया है क्योंकि देखो हंड्रेड पॉइंट थ्री है नीचे थ्री है तो ऐसा नंबर जो थ्री से डिवाइड हो जाए तो हमने थर्टी मान लिया बस ऐसे सोच के किया गया ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो हर चैप्टर के लिए ऐसी सीरीज होगी कोशिश करेंगे पहले परसेंटेज हो गया अब हम चाह रहे हैं कि रेशियो एंड प्रपोर्शन हो जाए क्योंकि ये दो चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना तो इन दो चैप्टर्स के माध्यम से आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे सर भूख लगी है जाओ खा जाओ मधुस्मिता अब ये सब देखो कैसे क्वेश्चन है ये सब कहीं ना कहीं अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना जो पीओ मेंस में आ जाते हैं या फिर पीओ प्री में आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन बच्चा देख के ही डर जाता है तीन सौ भी मान के कर सकते थे कोई इशू नहीं है डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑन फ्लिपकार्ट ठीक है अच्छा ठीक है बेटा

जो एम है वो अगर हम मान लें सौ रही होगी रेशियो में तो ट्वेंटी परसेंट का पहले तो डिस्काउंट दिया गया है ना देखो ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट दिया गया तो डिस्काउंट अगर ट्वेंटी परसेंट का दिया जा रहा है तो कितना बताओ कितना गिर गई होगी प्राइस है सौ से कितनी आ गई होगी हमने सर एट्टी आ गई होगी फिर क्या टेन परसेंट का कैशबैक भी दे दिया गया कैशबैक भी तो डिस्काउंट ही होता है ना कहने मतलब अगर आपने सौ का को कोई सामान है जैसे सिलेट सपोज ठीक है अगर आप इसे अभी लेते हो तो हम ट्वेंटी डिस्काउंट दे दे मतलब दे दे और अगर आपने का टेन परसेंट रुपए हम आपको आठ रुपए हम आपको वापस कर देंगे तो ये भी तो एक प्रकार का डिस्काउंट ही हुआ ना बेटा समझ बात मैंने कहा सौ रुपए का को कोई सामान था 20% आपने डिस्काउंट दे दिया सीधा डिस्काउंट सभी को दिया जा रहा है एट्टी रुपीज का हो गया वो शॉपकीपर ने कहा कि अभी इसी मोमेंट पर अगर आप मेरे से खरीदते हो तो, तो हम टेन परसेंट का कैशबैक आपको और दे देंगे यानी अस्सी रुपए का सामान अस्सी का टेन परसेंट मतलब 8, 8 हम आपको और वापस कर देंगे तो आपके लिए सामान समान कितने पड़ा सेवेंटी टू का ही तो पड़ा ना आपके लिए जो सामान पड़ा वो सेवेंटी टू का ही पड़ा यानी कि सेवेंटी टू रेशियो का पड़ा और एक्चुअल में कितने का पड़ रहा है छत्तीस हजार का यानी कि सेवेंटी टू रेशियो बराबर हो जाए लैंग्वेज प्रॉब्लम है मतलब लैंग्वेज बड़ी है सिर्फ लेकिन टफ नहीं है है ना ठीक है क्या निकालना है फाइंड द कॉस्ट प्राइस एक्चुअल प्राइस ठीक है ठीक है यानी कि 72 बराबर हो गया सेवेंटी uh, टू रेशियो बराबर हो गया थ्री सिक्स जीरो डबल जीरो के बराबर हमें वन रेशियो वैल्यू चाहिए तो यानी कि थ्री सिक्स जीरो ट्रिपल जीरो डिवाइडेड बाई सेवेंटी टू और मल्टीप्लाई कर देंगे हम हंड्रेड से ठीक है तो छत्तीस का एक गुना छत्तीस का दो गुना यानी कि ये तो बहुत बड़ी वैल्यू क्यों आ रही है मेरी कुछ अधिक ले लिया क्या मैंने अच्छा इतने सारे जीरो कहां से आ गए इतने सारे जीरो कहां से आ गए भैया इतने सारे जीरो कहाँ से आ गए ये है छत्तीस हजार है ना तीन जीरो है सिर्फ ठीक है ये एक हजार फिफ्टी थाउजेंड तो होना चाहिए एक क्वेश्चन कितना टफ था बच्चों क्वेश्चन कितना बड़ा था देख पा रहे हो क्वेश्चन कितना लेंदी कितना बड़ा लेकिन कितना आसान अप्रोच सिर्फ कंसेप्चुअल क्लियरिटी की जरूरत थी यहाँ पर आपको डिस्काउंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए आपको कैशबैक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए पूरा बड़ा सा क्वेश्चन एग्जाम में देखेगा क्वेश्चन बच्चे छोड़ देंगे नहीं बच्चे छोड़ देंगे बट थोड़ा तो सा अगर रीड करके जाओगे तो क्वेश्चन आसानी से क्रैक कर दोगे तो आपका स्कोर हो जाएगा है ना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा परफॉर्म करें सारे बच्चे क्वेश्चन बहुत प्यारा है कैसे बताओ क्वेश्चन इज लॉन्ग बट आंसर इज शॉर्ट बिल्कुल शॉपकीपर मेक्स चीटिंग ऑफ़ ऑफ़ द टाइम प्रॉफिट लॉस भी मिक्स है, है ना थोड़ा सा सर हंड्रेड तो एम पी था ना सीपी नहीं तो? तो जो डिस्काउंट मिलता बेटा एमआरपी सो मानी ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट दिया तो अस्सी हो गया फिर टेन परसेंट का कैश बैक दिया यानी कि सेवेंटी टू हो गया तो जो सेवेंटी टू आया वो तो सेलिंग प्राइस होती है ना सिखाया गया ना कि जब भी एम पे कितनी बार याद कराया गया आपको पेड बैच में भी आपको लाइव सेशन में भी कि जब भी हम एम आर पे डिस्काउंट देते हैं हमेशा सेलिंग प्राइस आता है सिंपल जब भी हम एम पे डिस्काउंट देते हैं हमें सेलिंग प्राइस आता है इसको नहीं अगर पता है तो नोट कर लो सारे बच्चे कहीं ना कहीं शॉर्ट में इसको हिंदी में लिखो पूरा है ना वेन वी गिव मतलब हिंदी में लिखने का है <laughs> जब भी हम एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं हमें सेलिंग प्राइस मिलता है बस इसको नोट कर लो अच्छे से है ना जब भी हम एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं हमको सेलिंग प्राइस मिलता है चलो ये क्वेश्चन करो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है कैसे करेंगे बताओ अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ ट्वेंटी परसेंट एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स अच्छा खरीदते वक्त कोई कैसे चीटिंग कर सकता है कोई आइडिया है खरीदते वक्त कोई कैसे चीटिंग कर सकता है मतलब मैं शॉपकीपर के पास जाऊं मैं दुकान पे जाऊं और मैंने वहां पर चीटिंग कर ली कैसे हो सकता बताओ <desconaltro> यह कैसे हो सकता है ये ऐसे हो सकता है कि मैं जैसे ऐसे समझो कि सौ रुपए का सामान सौ रुपए में मतलब कहा गया था मतलब मैं जिस दुकान पे गया वहां पर था कि हंड्रेड आर्टिकल मिल रहे हैं आपको सौ रुपए में ऐसे समझो हंड्रेड आर्टिकल्स आपको मिल रहे सौ रुपए में लेकिन मैंने बीस परसेंट में चीटिंग करूंगा तो कैसे करूंगा मैं मैं ट्वेंटी परसेंट अधिक सामान ले लूंगा यानी कि मैं एक सौ बीस आर्टिकल खरीद के लाऊंगा वो भी मात्र में होता है ना कुछ लोग होते हैं ना कुछ लोग होते हैं ना बच्चों जाएंगे शॉपकीपर के पास शर्ट ले लेंगे वो डिस्काउंट नहीं दे रहा होगा नहीं दे रहा होगा नहीं दे रहा होगा तो मुझसे हम रुमाल भी रखवा लेंगे जेब में है ना एक टाई ले लेंगे चलो तुम एक टाई दो हम उसका पैसा नहीं देंगे बाद में देंगे कहने मतलब वही हुआ कि हम आर्टिकल्स बढ़ा देते हैं तो खरीदने के समय पर जो चीटिंग होती है वो वैसे ही होती है आजकल बहुत सारी वीडियोस ऐसी चीटिंग की यूट्यूब पर है हाँ <laughs> तो चीटिंग मतलब खरीदते वक्त चीटिंग ऐसे ही होती है हम आर्टिकल्स की संख्या बढ़ा देते हैं ठीक है आप उससे रुपए कम नहीं दे सकते हो वो तो उसके ऊपर गिद्ध की नजर लगा के बैठा ना कि मेरे को सौ रुपए चाहिए ही चाहिए जैसे आप लोग को सिलेक्शन चाहिए नहीं चाहिए ही चाहिए वैसे ही शॉपकीपर को सौ रुपये अगर उसने दाम लगा के रखा है तो सौ रुपये उसको चाहिए ही चाहिए तो आप रुपए से चीटिंग नहीं कर सकते हो आप उससे आर्टिकल ज्यादा ले लेते हो ठीक है तो खेल ऐसा ही है कुछ देखते हैं आप देखो क्वेश्चन पे आते हैं सारे बच्चों यानी कि पहले कीमत क्या है हंड्रेड रुपीज में हंड्रेड आर्टिकल्स मिल रहे हैं hmm. हुआ क्या अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टाइम एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स मतलब जो शॉपकीपर था चश्मा उसमें लगा के गया था तोंदू बटन भी इतना पेट है इसका कि किनारे हो गई है।, है तो ये जो शॉपकीपर है ठीक है इसने क्या किया इसने कहा कि मैं चीटिंग करूंगा तो इसने 20% परसेंट एक्स्ट्रा सामान ले लिया यानी कि इसने 120 आर्टिकल्स लिए हैं इसने 120 आर्टिकल्स लिए हैं कितने रुपए में सौ रुपए में यहां लिख देते हैं ना यहां लिख देते हैं आर्टिकल्स की संख्या है और ये ये और हमारे पास रुपए की संख्या है ठीक है सौ आर्टिकल्स की कीमत सौ रुपये सौ आर्टिकल्स की संख्या थी सौ रुपए लेकिन उसने चीटिंग की तो वो एक सौ बीस आर्टिकल्स लेके चलाया सौ रुपए में ठीक है फिर क्या हुआ फिर एंड फोर्टी परसेंट चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स अच्छा उसने चालीस परसेंट बेचते समय भी चीटिंग कर रखा है उसने वादा कर रखा है ही प्रॉमिस टू सेल द गुड्स एट 10% लॉस उसने वादा यह कर रखा है कि वो 10% लॉस पर बेचेगा बच्चों वो 10% लॉस पर बेचेगा क्योंकि वो चीटिंग तो कर लाया और किसी एक दोस्त ने उसको देख लिया मतलब इसका एक कोई फ्रेंड था वो शरीफ था ठीक है मान लो ये मैं हूं ठीक है मान लो ये कौन है ये मैं हूं ये मैं हूं ठीक है

सौ रुपए में लेकर आया लेकिन ये सौ रुपए नहीं लेगा ये नब्बे रुपए में बेच देगा अपने सारे आर्टिकल्स को है ना परसेंट लॉस पर बेच देगा बच्चों टेन परसेंट लॉस पर बेच देगा ठीक है टेन परसेंट लॉस पर बेच देगा लेकिन उस समय भी इसने कुछ नौटंकी की है उसने क्या किया कि चालीस परसेंट बेचते वक्त भी चीटिंग कर दी क्या किया इसने चालीस परसेंट बेचते वक्त भी चीटिंग कर दी चालीस परसेंट किसका सौ का एक सौ बीस का नहीं यानी कि सो में से सौ का चालीस परसेंट इसने कम बेचा यानी कि लेकर आया था सौ लेकिन बेच रहा मतलब है सिर्फ और सिर्फ साठिकल आर्टिकल्स ही दे रहा है बच्चों वो नब्बे रुपए में केवल साठ आर्टिकल्स ही दे रहा है तो टोटल जितना वो लेकर आया है यानी कि एक आर्टिकल्स कितने का देगा वो एक आर्टिकल्स देगा एक रुपए में तो प्रश्न ये है कि प्रॉफिट परसेंट यानी कि वो लेकर आया है सौ रुपए में वो लेकर आया है सौ रुपए में वो बेच रहा है एक सौ अस्सी रुपए में यानी कि एट्टी अपॉन हंड्रेड इन टू हंड्रेड यानी कि एट्टी परसेंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे घबराना मत परेशान मत होना कोई ठीक है दिस इज कॉल्ड बिजनेस शॉपकीपर नहीं मॉडल लग रहा है यह चश्मा लगा गया था एकदम तो हीरो बन के तो यह होशियार चंद की होशियारी थी है ना क्लियर हो गया समझ में आ गया अच्छे से एक बार और बता दें प्यारा कितना प्यारा क्वेश्चन है सोचो कितना प्यारा क्वेश्चन है ना कितना प्यारा क्वेश्चन है एक बार और देखो सारे बच्चे कहने का मतलब है वो जो मेन शॉपकीपर था वो गया ठीक है देखो वो एक बार गया शॉप पर किसी अच्छी दुकान पर गया किसी अच्छी दुकान पर गया तो वहां पर जो आर्टिकल्स की कीमत है वो है हंड्रेड आर्टिकल्स मिल रहे हैं सौ रुपए में ठीक है तो वहां जब वो गया तो उसने खरीदते वक्त भी उसने चीटिंग की है ठीक है कितने परसेंट की उसने ट्वेंटी परसेंट चीटिंग की है यानी कहने का मतलब है उसने 20 परसेंट बढ़ा के 20 परसेंट उसने बढ़ा करके सामान ले लिया है है ना मतलब मिल रहा था सौ रुपए में सिर्फ सौ आर्टिकल्स लेकिन उसने 20 परसेंट बढ़ा के ले लिया कहने का मतलब उसने 120 आर्टिकल्स ले लिए मतलब वो अपनी शॉप पर लेकर आया है एक आर्टिकल्स कितने रुपए में मात्र सौ रुपए में ठीक है अब जब वो एक आर्टिकल्स लेकर आया ये अपनी शॉप पर लेकर आया है ठीक है अपनी शॉप अपनी शॉप पर वो एक सौ बीस सौ रुपए में लेकर आया है लेकिन जब वो लेकर आ रहा था तो उस समय मेरी नजर पड़ गई है ना हमने कहा यार ये तो गलत बात है चीटिंग मत करो यार वो भी कमाता है है ना? इसके साथ धोखा क्यों करना तो उसने कहा चलो भाई आ, मैं पश्चाताप करूंगा मैं पश्चाताप की अग्नि में जलूंगा मैं नब्बे आ, मैं टेन परसेंट लॉस पर बेच दूंगा यही तो चाहते हो ना मैंने कहा ठीक हाँ, है चलो ऊपर वाला भी खुश हो जाएगा ना टेन परसेंट लॉस पर बेच दूंगा तो उसने मेरे सामने मुझे दिखाने के लिए उसने क्या किया उसने किया ये कि हंड्रेड का टेन परसेंट उसने लॉस एम आर पी छाप दी मतलब सेलिंग प्राइस कहा कि चलो मैं सौ रुपए का लेकर आया हूँ तो उसने मेरे को संतुष्ट करने के लिए उसने नाइन्टी रुपीज का कॉस्ट लगा दिया उस पर मैं सौ का लेकर आया हूं लेकिन मैं तुम्हारे कहने पर मैं नब्बे का बेच दूंगा मैं नब्बे का बेच दूंगा मैंने कहा चलो ठीक है बैलेंस हो गया है ना तो वहां पर गलत काम किया यहां पर तुमने बराबर कर दिया लेकिन जब मैं वापस गया तो उसने उसमें भी कुछ ना कुछ नौटंकी कर दी उसने किया क्या उसने बेचते वक्त फोर्टी परसेंट आर्टिकल की चीटिंग कर दी मतलब फोर्टी परसेंट उसने कम बेचा यानी लेकर आया था कितना एक सौ बीस हंड्रेड का फोर्टी परसेंट यहां से काउंट हो क्योंकि जो जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हंड्रेड यूनिट की है उसने इसका फोर्टी परसेंट कम बेचा यानी कि कितना बेचा 40% कम बेचा यानी कितना बेचा सिर्फ उसने 60 आर्टिकल्स ही बेचे हैं नब्बे रुपए में

जय भारद्वाज कह रहा है सर ये आपका वही दोस्त है क्या जो अभी ग्रेजुएशन नहीं कर पाया है तो इतना दिमाग हो गया बिना ग्रेजुएशन करने वालों का हा? तब तो बहुत अच्छी बात है किसी को ग्रेजुएशन नहीं करना चाहिए फिर चलो अगला क्वेश्चन सारे बच्चे अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से

कि जो टोटल स्कोर है वो हंड्रेड और हंड्रेड क्योंकि देखो सेम बोला गया है आपको थर्टी परसेंट स्कोर करना होगा कितना तीस नंबर लाना होगा और क्लास टेंथ में पास होने के लिए कितना लाना होगा फोर्टी फाइव परसेंट कितना लाना होगा बच्चों ने सर पैंतालीस लाना होगा

वो पास हो जाता बोलो वो लेकर आ रहा है मतलब उसको स्कोर मिल रहा है बारह सौ पच्चीस आ रहा है वो एक सौ पच्चीस स्कोर से फेल हो जा रहा है, तो है।, 125 जा रहा है। अगर उसको एक सौ पच्चीस और मिल जाता तो यानी कि वो पासिंग मार्क्स के पास पहुंच जाता यानी कि वो पास हो जाता तो यानी कितना हो जाएगा फिर तेरह सो पचास बोलो हाँ यार सारे बच्चे यानी कि तेरह पचास क्या हुआ वो तेरह पचास क्या हुआ

तो पासिंग मार्क्स हुए ना ठीक है और ये घटना घट गट रही है तो क्लास टेंथ में, तो में परसेंटेज में पासिंग मार्क्स कितना है? में पैतालीस यानी कि पैंतालीस है पासिंग मार्क्स है यानी मतलब रेशियो में जो पासिंग मार्क्स है वो 45 रेशियो में है, में है, है, है और एक्चुअल में जो पासिंग मार्क्स है वो 1350 है तो अगर हम वन रेशियो की वैल्यू निकालें तो से हम इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों तो डिवाइड कर दो यानी कि 135 का आगे जीरो या 45 से डिवाइड कर दो 15 9 135 सॉरी क्या कह रहे हैं, 15 3 45 और 15 9 135 ये आ गया यानी कि रेशो, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 30 स्कोर है ना 30 मार्क्स 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 30 मार्क्स बच्चों 1 रेशियो वैल्यू आ गई 30 मार्क्स क्या पूछा रहा आपसे पासिंग मार्क्स फॉर क्लास यानी कि थर्टी है आपको, ये तो थर्टी तो तो 30 का थर्टी से मल्टीप्लाई यानी नौ सौ हमारे पास राइट right आंसर हो जाएगा बताओ किसी बच्चे को डाउट कोई किसी बच्चे का को कोई डाउट किसी बच्चे को जरा सा भी कहीं कंफ्यूजन हुआ कुछ क्लैरिटी है क्लियर हो गया इजी है अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा परफॉर्म करें सारे बच्चे क्रिस्टल क्लियर क्या बात है बहुत बढ़िया देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा कितना डरावना है क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन कितना डरावना है देखो एक्स वाई जेड पब्लिकेशन स्टार्टेड विद रुपीस विद टू थाउजेंड नोवेल्स द प्रिंटिंग कॉस्ट पैकेजिंग कॉस्ट एंड डिलीवरी कॉस्ट ऑफ ईच नोवेल इज वन फिफ्टी ट्वेंटी एंड फिफ्टी रुपीस ठीक है If 40% of the novel novels are sold at three fourth of the cost price, then how much percent above the cost price should the remaining ही बी सोल्ड टू गेट get परसेंट प्रॉफिट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर आप लोग को अगर पानी वानी पीना हो कुछ खाना पीना हो तो जाकर के खा पियो हम दो मिनट का आपको रेस्ट दे सकते हैं यहां पर ठीक है दो मिनट का आप लोग रेस्ट ले सकते हो अगर आप लोग को पानी वानी पीना हो तो आप लोग पी के आ सकते हो मैं यहां पर बैठा हुआ हूं एकदम तो निश्चिंत रहे सारे बच्चे ठीक है आप लोग को अगर दो मिनट के लिए पानी ओनी पीना हो तो आप लोग पी लो सारे बच्चों से सा कह रहे हैं हम बाद में बात करना सर एकदम जान निकल गई हमारी हम जा नहीं रहे हम यहीं बैठे हुए हैं देखो हम दिख रहे हैं अगर आप लोगों को पानी नहीं पीना तो पी लो क्योंकि अभी प्री और मेंस दोनों हैं, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं तब तक हम फोन ऑन चला लें कुछ जापान चलते हैं सर दो मिनट के लिए तब तक आप लोग मेरे से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो पूछना हो कुछ पूछ सकते हो सर एल आई सी मेन्स का जो कट ऑफ है क्या पूछ रहा बच्चा भी नहीं हुआ है हो जाएगा कोई ना कोई कर देगा हम बोल देंगे मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा बच्चों सर आप खाए कि नहीं हम तो भी क्लास के बाद ही खाएंगे कुछ ना कुछ जो भी खाएंगे कुछ <laughs> <laughs> भी हद <laughs> है रुद्राक्ष बैच की लिंक यहाँ नहीं होती बेटा वो अडर ट्वेंटी फोर सेवन की जो ऐप होगी उसमें होगा सर दर्द हो रहा है मेरा तो चाय पी लो आप फेस एक बार वॉश कराओ थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको है ना शुरू करें <laughs> शुरू किया जाए चलो शुरू करते हैं ठीक है ठीके? दे दिया सफिशियंट टाइम दे दिया आप लोग को अब ये क्वेश्चन कैसे होगा देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन ये कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन मेंस की क्लास होगी बिल्कुल होगी क्यों नहीं होगी आज ही कराते हैं आज रात को दस बजे लगाएंगे रात को ठीक है रुद्राक्ष में आज दस बजे क्लास लगाते हैं मेन्स की देखो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा पानी लेकर आ गए ठीक है ठीक है ठीक है, है देखो अब देखते हैं एक्स वाई जेड पब्लिकेशन स्टार्टेड विद रुपीज अच्छा विद रुपीज रुपीज दिखता है देखो नियत द प्रिंटिंग कॉस्ट पैकेजिंग कॉस्ट एंड डिलीवरी कॉस्ट ऑफ ईच नॉवेल इज रुपीज वन फिफ्टी ट्वेंटी एंड फिफ्टी रेस्पेक्टिवलीफ द फोर्टी परसेंट इफ फोर्टी परसेंट ऑफ द नॉवेल्स आर सोल्ड एट थ्री फोर्थ ऑफ द कॉस्ट प्राइस अच्छा कॉस्ट प्राइस है तीन बटे चार पर मतलब लॉस पर बेचा जा रहा है बच्चों देख पा रहे हो थ्री फोर्थ का मतलब क्या हो गया थ्री फोर्थ पर बेचा जा रहा है समझ पा रहे हो इस बात का मतलब यानी कि चार रुपए का सामान तीन रुपए में बेचा जा रहा है कितने रुपए का लॉस हो रहा है वन फोर्थ का लॉस हो रहा है बच्चों समझो इस बात को मैंने क्या बोला मैंने कहा थ्री फोर्थ ऑफ द कॉस्ट प्राइस यानी कि चार रुपए का सामान तीन रुपए में बेचा जा रहा है यानी कि एक रुपए का नुकसान हो रहा है है ना यानी एक बटे चार का नुकसान हो रहा है अगर हम बात करें फ्रैक्शन की ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही पहले हाँ या हाथ जवाब दो आधे घंटे ठीक है थीके? समझना इस बात को कि चार रुपए का सामान बच्चों तीन रुपए में बेचा जा रहा है यानी कि एक रुपए का नुकसान हो रहा है यानी कि चार रुपए के सामान पर एक रुपए का नुकसान हो रहा है यानी कि परसेंटेज में देखो तो ट्वेंटी फाइव परसेंट का लॉस हो रहा है बताओ इतने हिस्से को पहले आप क्लियर कर पाए कि नहीं कर पाए पहले हाया नाम जवाब दो सारे बच्चे है ना ट का लॉस हो रहा है पहले बोलो या ना मतलब चार रुपए का सामान आप सीपी मान लो अगर चार रुपए की है बेच रहे हो आप कितना तीन रुपए में तो आपको लॉस हो रहा है कितने का हमने सर एक रुपए का तो लॉस प्रतिशत कितना होता है लॉस अपॉन सी पी इन यानी कि ट्वेंटी है ना ट्वेंटी का आपको लॉस हो रहा है ठीक है बच्चों ट्वेंटी का आपको लॉस हो रहा है लॉस हो रहा है ट्वेंटी फाइव परसेंट का और कितने आर्टिकल्स 25% परसेंट लॉस पर बिक रहे हैं बच्चों परसेंट अच्छा कि अगर हम रेशो निकालें तो टू रेशो थ्री यानी कि दो यूनिट समान दो यूनिट जो है वो लॉस पर बिक रहा है और थ्री यूनिट को अभी हमें बेचना बाकी है अब क्वेश्चन पर आते हैं थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार मतलब 40%, मतलब अगर टोटल सामान हमारे पास पांच है ऐसे समझो अगर हमारे पास टोटल पांच आर्टिकल्स हैं जिसमें से दो आर्टिकल्स को हमने लॉस पर बेचा है कितने ट्वेंटी फाइव परसेंट लॉस पर बेचा है ठीक है पांच में से दो आर्टिकल्स को हमने ट्वेंटी फाइव परसेंट लॉस पर बेचा है ठीक है then how much percent above the cost price should remaining novels be sold to get 20% profit on total expenditure तो ये जो बचे हुए तीन आर्टिकल्स हैं इन्हें हम कितने percent profit पर बेचेंगे क्योंकि बढ़ा के बेचना है, है ना तो कितने percent profit पर बेचेंगे जिससे कि overall हमें 20 परसेंट का लाभ हो कौन सा approach लगेगा यहाँ पर क्या गुनगुना approach लगेगा क्या यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन लगेगा

कह सकते हो तो पहली वैरायटी है, 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 तो है, मतलब है, है तीन यूनिट जो है वो कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर बिके तो हमने इसको एक्स परसेंट कह दिया या एक्स कह दिया एक ही बात हुई जिससे कि कंबाइंड डेटा जो है वो ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट पर बिकेगा यानी कि ट्वेंटी लिख दिया मैंने यहां पर ठीक है तो प्रतिशत हटा देते हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा वो ये अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि ट्वेंटी है इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा तो हमने इसको माइनस किया यानी कि एक्स माइनस ट्वेंटी हुआ और यहां पर अब ट्वेंटी बड़ा है ना इससे तो ट्वेंटी माइनस माइनस ट्वेंटी फाइव है कि नहीं बच्चों यानी कि यहां पर डेटा आ रहा होगा एक्स माइनस ट्वेंटी और यहां पर आएगा ट्वेंटी प्लस फोर्टी फाइव ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर्टी फाइव बताओ इतने हिस्से में किसी बच्चे को क्या कोई जरा सा भी डाउट हुआ नहीं होना चाहिए है ना इतने हिस्से में किसी बच्चे को जरा सा भी डाउट नहीं हुआ होगा ठीक है अब हमें क्योंकि मतलब 100 100 मतलब क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा जो रेशियो होगा वो टोटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा यानी कि टू को और थ्री को रिप्रेजेंट करेगा तो कहने का मतलब यहां पर हम टू रख देंगे यहां पर हम थ्री रख देंगे और बीच में लगा देंगे मतलब एक्स माइनस ट्वेंटी अपॉन टू इज इक्व टू पैतालीस बटे तीन यानी कि पंद्रह और यहां पर क्या है एक्स माइनस ट्वेंटी अपॉन टू तो दो को इधर भेज दिया तीस प्लस बीस इज इक्व टू एक्स यानी कि फिफ्टी परसेंट मजा 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 मजाई मजा मजाई दिल गार्डन गार्डन हुआ खुशी हुई अंदर से इन लोग को मैंने कहा था जाके पानी वाणी पिया ही गए वापस ही नहीं आए हद यार। है? यार ऐसे कौन करता है आपसे भेजेंगे भेजेंगे ही नहीं हम? से हम भेजेंगे ही नहीं नहीं कभी कभी हम ठीक है चलो कोई बात नहीं जो बच्चे हैं वो सीख रहे हैं ठीक है क्लियर हो गया कोई डाउट नहीं कोई नहीं क्लैरिटी कितना प्यारा क्वेश्चन देख रहे हो कितना प्यारा क्वेश्चन एक बार हम फिर से दिखाते हैं इस पूरे क्वेश्चन को देखो इस पूरे क्वेश्चन में इसका यूज ही नहीं हुआ है ना

क्वेश्चन में कहा गया है कि थ्री फोर्थ यूनिट जो है सॉरी फोर्टी परसेंट जो आपके पास आर्टिकल्स हैं वो थ्री फोर्थ यानी कि ट्वेंटी फाइव परसेंट लॉस पर बिक रहे हैं तो हमारे पास टोटल आर्टिकल्स कितने होंगे हंड्रेड ठीक है हंड्रेड का फोर्टी परसेंट जो है ऐसे समझो हंड्रेड का फोर्टी परसेंट जो है यानी कि चालीस लॉस पर बिक रहा है तो बचा हुआ साठ के बारे में हमें पता नहीं इसे हमें प्रॉफिट पर बेचना है तो अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो आ रहा है दो अनुपात तीन ये है क्वांटिटी ये बच्चों क्या है ये है क्वांटिटी कहने का मतलब है अगर हमारे पास टोटल हंड्रेड है हमारे पास टोटल अगर आर्टिकल्स हैं फोर्टी रुपीज में नहीं बेच रहे हैं फोर्टी आर्टिकल्स को हम लॉस पर बेच रहे हैं बचा हमारे पास साठ यानी कि साठ आर्टिकल्स को हमें बेचना है अभी तो हम सौ को हटा करके दो और तीन की बात करेंगे अब सिर्फ और सिर्फ ठीक है कहने का मतलब है दो आर्टिकल्स को हम लॉस पर बेच रहे हैं बच्चा हमारे पास जो तीन आर्टिकल्स उसे हम कितने परसेंट प्रॉफिट पर या लॉस पर बेचेंगे वो बात की हो गई है है ना ये क्या है? ये क्वांटिटी है तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है रेशियो में हमने हमेशा टोटल क्वांटिटी हमारे पास पांच है क्योंकि 40 परसेंट और 60 परसेंट के हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर लिया रेशियो में कन्वर्ट कर लिया तो पांच में से दो आर्टिकल्स को हम लॉस पर बेचेंगे और तीन आर्टिकल्स के बारे में भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जानेंगे कि करना क्या है ठीक है जो पांच में से दो आर्टिकल्स हैं उसे हम थ्री फोर्थ कॉस्ट पर बेच रहे हैं कॉस्ट का मतलब होता है चार रुपए का सामान तीन रुपए में रहा मतलब एक रुपए की हानि हो रही है एक रुपए की हानि मतलब एक बटे चार गुड़े सौ पच्चीस परसेंट लॉस पर बिक रहा है हमारा दो आर्टिकल है ना पच्चीस परसेंट लॉस पर हमारे दो आर्टिकल्स बिक रहे हैं बच्चों पच्चीस परसेंट लॉस पर हमारे दो आर्टिकल्स बिक रहे हैं बस क्वेश्चन समाप्त यहीं पर अब देखो दो आर्टिकल्स हमारे पच्चीस परसेंट लॉस पर बिक रहे हैं ठीक है तो तीन आर्टिकल्स को हम कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे हमें कहा नहीं पता हमने कहा एक्स जिससे कि टोटल हमारे पास टोटल हमारे पास जो प्रॉफिट हो वो ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट हो तो हमने इसको लिख दिया प्लस ट्वेंटी बस यही तो है क्वेश्चन में है ना हम जल्दी से इसको माइनस कर देंगे तो ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस माइनस ट्वेंटी फोर्टी फाइव, ट्वेंटी फाइव प्लस का और यहां पर एक्स माइनस ट्वेंटी आएगा अब यहां पर जो रेशियो आएगा एलिगेशन में वो किसका रेशियो होता है रेशियो किस किसका होता है वो वो तो क्वांटिटी का होता है ना और क्वांटिटी तो हमको पता है टू रेशो थ्री है देखो क्वांटिटी तो हमको पता है टू रेशो थ्री है तो इसको हम टू से डिवाइड कर दें इसको हम थ्री से बीच में लगा देंगे इक्वल हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई फिफ्टी बताओ क्लियर <laughs> है चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लैक मैजिक में अर्थमेटिक प्री के ही क्वेश्चन मिलेंगे या फिर मेन्स के भी मिला जुला है वो अलग से क्योंकि मैं नया नया उस टाइम पर आया था जब ब्लैक मैजिक मैंने शुरू किया था तो मैं अंडर ट्वेंटी फोर में नया नया मेरी ज्वाइनिंग हुई थी उसी टाइम पर हमने अपना वो एक प्ले डेवलप किया था तो उसमें मेरा प्री और मेन्स का कुछ अलग अलग बाइफरकेशन नहीं था हमने दोनों को कंबाइन करके पढ़ाया था मतलब एक ही वीडियो में आप जैसे ये देख रहे हो ना कि इजी से मॉडरेट मॉडरेट से हाई होते चले जा रहा है वैसे ही उसमें भी आप देखने को आपको मिलेगा ठीक है बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में

अच्छा फीमेल्स कितनी बच्चों हमने सर में है। मेल्स कितने बच्चों? हमने सर टू रेशियो में है, है ना? और प्रतिशत दिख रहा है मुझको हर जगह तो मैं सोच रहा हूं इनको डबल जीरो दे दें और इनको भी डबल जीरो दे दें है ना इसको भी आपको याद कराया गया है क्यों इनको भी आपको याद कराया गया है ना क्या कि नमक स्वाद अनुसार और जीरो सुविधा अनुसार क्या मैंने बोला मैंने नमक स्वाद अनुसार और जीरो सुविधा अनुसार हम यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ठीक है तो प्रतिशत दिख रहा ना ट्वेंटी फाइव परसेंट और जो भी फलाना दिमाग काटो हमने क्या किया डबल जीरो अपने अकॉर्डिंग हमने यूज कर लिया यहां पर ओके अब देखो मेल्स हैं टू हंड्रेड और फीमेल्स हैं थ्री हंड्रेड क्वेश्चन है कि ट्वेंटी फाइव परसेंट फीमेल्स और ट्वेंटी परसेंट मेल्स लेवल टू से ऊपर है तो लेवल टू से नीचे वाले लोग हैं कितने ये आपसे पूछा रहा अच्छा लोग टोटल हैं कितने टोटल लोग तो फिर यहां से पांच सौ हो गए बच्चों टोटल लोग कितने हो जाएंगे पांच सौ टोटल लोग कितने होंगे देखो टोटल 300 प्लस 200 500 हो गए अच्छा 25% ऑफ द फीमेल्स जो हैं वो लेवल 2 के ऊपर हैं तो नीचे यानी कि लेवल 2 से नीचे कितनी होंगी सारे बच्चे जवाब देंगे मैंने कहा 25% से सॉरी uh, लेवल 2 से ऊपर कितने लोग हैं फीमेल में हमने कहा सर 25% तो लेवल 2 से नीचे कितने लोग होंगे प्रतिशत में 75% यानी कि फीमेल का 75% अगर हमने निकाल लिया तो लेवल 2 से नीचे वालों की संख्या आ जाएगी का तीन गुना कितना होता है दो वाले पच्चीस होंगे है ना और लेवल टू से ऊपर वाले लोग ट्वेंटी परसेंट है तो लेवल टू से नीचे वाले लोग कितने होंगे 80%. बोलो लेवल से ऊपर वाले लोग अगर मेल्स में ट्वेंटी परसेंट है तो नीचे वाले कितने होंगे ट्वेंटी परसेंट यानी कि हंड्रेड में से ट्वेंटी माइनस कर दो एसेंट यानी कि मेल्स में लेवल वन के नीचे लेवल टू के नीचे यानी कि लेवल वन वाले लोग कितने होंगे हमने सर एट्टी तो दो का अस्सी कितना होता है आठ दुनी सोलह यानी कि साठ होता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉज विच आर वर्किंग बिलो लेवल टू से नीचे वाले लोग यही तो हैं तो कुल कितने लोग हैं ये ऐड करो इनको जल्दी से सारे बच्चे इन ऐड कर दो यानी कि है 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 ना टोटल 385. 385. ठीक कितने का 500 सौ का प्रतिशत निकालना है सौ से गुणा डबल जीरो कर लोगे अगला क्वेश्चन किया जाए चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा परफॉर्म करें सारे बच्चे सर आपने तो आज दिन बना दिया अच्छा अच्छी <laughs> बात है हो गया कर पाओगे अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा ना मंथली इनकम ऑफ़ पी इज़ प्यार से बहुत अच्छा है आराम uh, से देखो सारे बच्चे वेरिएबल सा, की मंथली इनकम ऑफ पी इज ग्यारह हजार रुपए अच्छा अगर हम क्यू की मंथली इनकम बच्चों एक्स मान लें तो पी की क्या हो जाएगी एक्स प्लस ग्यारह हजार होगी बोलो है ना अगर हम q की मंथली इनकम x मान लें बच्चों अगर हम p u uh, p नहीं p नहीं q है ना p और q मिक्स होकर के pq हो गया मतलब q हो गया जो भी हुआ q की अगर हम मंथली इनकम x मान लें तो p की क्या होगी p की 11000 प्लस x होगी हाँ जी होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग p एंड q स्पेंड 15% एंड 10% ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मंथली इनकम ऑन रेंट व्हाइल ईच स्पेंड 10% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन उस होल्ड आइटम्स क्या बीच में कहीं रिमेनिंग वर्ड यूज हुआ बच्चों क्या बीच में कहीं दोनों परसेंटेज के बीच में क्या कहीं रिमेनिंग वर्ड यूज हुआ है नहीं है ना मतलब राज और सिमरन के बीच में बाबू नहीं आए है ना मतलब समझ में आ गई बात क्या क्लास है ठीक है तो यहां पर Q और P की वैल्यू आ चुकी है अब देखो P ने कितना खर्च किया है 15 ने खर्च किया है फिफ्टीन परसेंट और पी को टेन परसेंट भी खर्च करना पड़ रहा है ठीक है पी को टेन परसेंट भी खर्च करना पड़ रहा तो हमने देखा कि पी का टोटल खर्चा कितना हो रहा है हमने सर खर्चा खर्चा हो रहा है टोटल खर्चा। अगर हम बात करें क्यू की तो क्यू का टोटल खर्चा कितना हो रहा है हमने सर क्यू जो है टोटल खर्चा कर रहा है टेन तो पहले कर रहा है और फिर से वो टेन खर्च कर रहा है किस पर अपने हाउस होल्ड आइटम्स पर यानी कि क्यू का खर्चा कितना हो रहा है हमने ट्वेंटी परसेंट हो रहा है ठीक है तो कहने का मतलब है पी का भी हमारे पास टोटल खर्चा आ गया बच्चों पी का भी हमारे पास टोटल खर्चा आ गया ट्वेंटी और क्यू का भी हमारे पास टोटल खर्चा आ टेन परसेंट ये क्या है ये ये एक्सपेंडिचर है 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 इनका ये खर्च है इनका खर्च ना व्यय है इफ रिमेनिंग अमाउंट दे सेव्ड एंड सेविंग ऑफ पी इज सेवन थाउजेंड मोर देन क्यू अच्छा देखो समझना कहीं गलती ना हो क्योंकि देखो पी और क्यू रेस्पेक्टिवली के साथ चल रहा है पी फिफ्टीन परसेंट है ठीक है ठीक है ठीक है यानी कि पी का जो टोटल है वो एक्स प्लस ग्यारह हज़ार है ये इनकी इनकम है तो इनका इनका जो सेविंग्स है वो कितनी होगी बच्चों ये अगर इनका एक्सपेंडिचर है तो सेविंग्स कितनी होगी देखते हैं कौन बच्चा बताएगा सबसे पहले सेविंग्स का परसेंटेज अगर हम निकालें तो ये तो एक्सपेंडिचर आया ना सेविंग्स बताओ सेवेंटी फाइव परसेंट इनकी सेविंग्स बच्चों बताओ 80 परसेंट किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन तो नहीं है अगर 100 में से 25 परसेंट आप खर्च कर दे रहे हो तो बचाओगे तो 75 अगर आप 100 में से 20 20 परसेंट खर्च कर दे रहे हो तो बचाओगे 80 परसेंट no नो डाउट इसमें है ना कोई ऑब्जेक्शन नहीं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि पी का जो इनकम है पी की इनकम जो है वो है एक्स प्लस है और पी बचा कितना रहा है पी बचा रहा है सेवेंटी इसका हमने निकाल लेना है सेवेंटी ठीक है क्यू की इनकम कितनी बच्चों क्यू की इनकम है एक्स और Q कितना बचा रहा है 80 परसेंट क्यों बचा रहा है, है, है सात हजार अधिक बचाता है तो बीच का प्लीज बताएं सारे बच्चे क्या किसी बच्चे को इतने हिस्से में क्या कहीं पर भी जरा भी कोई डाउट कहीं पर भी जरा भी कोई कंफ्यूजन हुआ मुझे नहीं लगता कि कहीं कंफ्यूजन हुआ होगा है ना क्योंकि देखो पी की इनकम ये है और

जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएंगे आंसर नहीं निकाल पा रहे अभी तो आप लोग क्या बच्चों हद है देखो <coughs> प्रतिशत यहाँ से हटा दो प्रतिशत यहाँ से हटा दो और यहाँ भेज दो डबल जीरो है ना वहां पर सीधे चला गया पच्चीस हजार बिल्कुल सेवेंटी फाइव को अंदर भेज देंगे तो सेवेंटी फाइव एक्स हो गया प्लस सेवेंटी फाइव अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो सात और पाँच बारह यानी कि आठ दो पाँच होगा होगा ट्रिपल जीरो के साथ है ना ग्यारह से मल्टीप्लाई करना तो आता ही है सेवन और फाइव सात पाँच बारह बीच में दो तो यहाँ आ गया ठीक है यहाँ क्या है बेटा यहाँ आएगा माइनस एट्टी एक्स इधर क्या आएगा फिर सेवन ट्रिपल जीरो और डबल ज़ीरो आ गया ठीक है सिंप्लीफाई कर देते हैं यानी कि माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस फाइव एक्स आ गया और इसको अगर हम इधर भेजते हैं कितना आएगा बताओ वन टू फाइव ट्रिपल ज़ीरो यही आएगा माइनस का ना वन टू फाइव ट्रिपल ज़ीरो तो माइनस माइनस कैंसिल आउट फाइव से डिवाइड कर देंगे फाइव टू जैट टेन फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव यानी कि हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है और एक्स की तो चाहिए था क्योंकि आपको इनकम चाहिए थी क्योंकि वैल्यू एक्स है तो एक्स आ गया आपके पास ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है आगे बढ़े ठीक है आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन देखो सर आप हर संडे को ऐसे ही क्लास दे दिया करिए अच्छे से सारे क्वेश्चंस इजी टू हाई लेवल के कवर हो जाएंगे <laughs> मेरी जान निकल जाएगी उसका क्या <laughs> मैंने तो जानबूझ के पहल की मैंने कहा थोड़ा सा अभी बच्चों का डाउ, डाउन चल रहा है मन नहीं कर रहा है उनका पढ़ने का तो हम ऐसा कंटेंट लेकर आएंगे थोड़ा सा इनके अंदर मोटिवेशन आएगा बट मैं ऐसे ऐसे करके लहरा रहा हूं उसका क्या hmm? आज लगता है क्लास खत्म नहीं होगी शायद रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज नाइन रेशियो टेन इनकम ऑफ सी इज 16.66% less than that of a average income of a b and c is 5300 चलो पहले ये कर लेते हैं ना पहले ये कर लेते हैं देखो बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है इनकम ऑफ ए एंड बी ए एंड बी इज 9:10 ठीक है इनकम ऑफ सी इज 16.66% लेस देन दैट ऑफ ए ए और सी के अगर हम कंपैरिजन करें तो क्वेश्चन है क्या 16.66% लेस देन 16.66% गुरु जी रिकॉर्डेड वीडियो है क्या ये आए महापुरुष जिन्होंने आग में घी के डालने वाला काम किया ना, आग में घी डालने वाला काम किया रिकॉर्डेड है ये ये रिकॉर्डेड है ना अगर ऑफलाइन क्लास होती है ना बेटा तो करते दरवाजा बंद हैं और मैं पता नहीं तुम्हारा क्या होता फिर चलो <laughs> आगे बढ़ते हैं। 16 कम है, 16 का मतलब होता है क्या? वाली वैल्यू किसकी होगी ए की होगी हो तो इसको सिक्स कह दिया और कम है यानी कि सी की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर ये हो जाएगी फाइव छ महीना से पांच ठीक है लेकिन यहां देखो छह है यहां पर नाइन है तो सेम होना चाहिए ना जब ए जो है लेटर सेम बेटा तो सेम होना चाहिए ना तो यहां पर हम क्या करेंगे देखो यहां पर हम इसका हम तीन गुना कर देंगे और इसका हम दो गुना कर देंगे जैसे कि ये भी अट्ठारह हो जाए और ये भी अट्ठारह हो जाए अब इधर तीन गुना किया तो इधर भी और इधर दो गुना तो इधर भी ठीक है तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी और सी की ए बी और सी के इनकम की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों हमने सर अट्ठारह बीस और पंद्रह ठीक है किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन कोई 18, 20 और 15 सारे बच्चे लिख लेते हैं इसको 18, 20 और 15 ये 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 आ B, ये आ आ गए 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 सी इनके इनकम का रेशियो आ चुका है ठीक है ओके इनके इनकम का रेशियो आ चुका है अब देखो एवरेज इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज तिरपन सो अच्छा रेशियो में इनकी एवरेज इनकम क्या होगी बच्चों रेशियो में रेशियो में इनके एवरेज इनकम क्या होगी बीस बीस चालीस और पचपन में से दो कम यानी कि तिरपन टोटल तो इनका फिफ्टी थ्री आ रहा है एक बार आप लोग तो चेक कर लेना और एवरेज निकालेंगे तो तीन से इसको हम डिवाइड कर देंगे ना है ना फिफ्टी थ्री अपॉन थ्री जो बराबर हुआ किसके फिफ्टी थ्री हंड्रेड के चलो बहुत अच्छा रेशियो है फिर तो इक्वल हो जाएगा ना एवरेज इनकम ये है तो वन रेशियो वैल्यू देखो वन रेशियो वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड कर फिफ्टी थ्री से यानी कि हंड्रेड आ गया थ्री इधर भेज देंगे यानी कि वन रेशियो वैल्यू क्या हो रही है तीन सौ के बराबर बच्चों इनकम आ तीनों की इनकम आ गई देखो इनकी इनकम क्या हो तो जाएगी अगर चौवन हंड्रेड है तीन सौ का दो गुना छह सौ छह हजार है इनकी इनकम क्या हो जाएगी पंद्रह का तीन गुना पंद्रह पैतालीस सौ है ठीक है अब हमारे पास तीनों की इनकम आ चुकी है एक बार चेक कर लेना आप लोग कोई मिस्टेक ना हुई हो ठीक तो हमारे पास तीनों की एक्चुअल इनकम आ गई है। अभी तक रेशियो में थी अब हमारे पास इनके इनकी जो है एक्चुअल इनकम आ चुकी बेटा ए बी और सी की पहले हमने इतने हिस्से को क्लियर कर लिया जैसे कोई डाउट ना रह जाए ये ए की इनकम है ये बी की इनकम है ये सी की इनकम है अब आते हैं क्वेश्चन पर सेविंग्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल एंड सेविंग्स ऑफ सी इज थ्री हंड्रेड रुपीज लेस देन दैट ऑफ बी ओके एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज ट्वेंटी परसेंट मोर देन दैट ऑफ सी सेविंग्स ऑफ ए इज वॉट परसेंटेज ओके देखो ये इनकी इनकम है बेटा और इनकी सेविंग्स की बात कर रहे हैं क्वेश्चन ने कहा है सेविंग्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल तो इनकी इनकम अगर हम इनकी सेविंग्स अगर एस एक्स मान लें इनकी भी सेविंग्स अगर हम एक्स मान लें तो सेविंग्स ऑफ सी इज 300 लेस देन दैट ऑफ बी इनसे 300 कम है बताओ इतने हिस्से में किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट हुआ सारे बच्चे जवाब देंगे क्या इतने हिस्से में किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट हुआ हमने इनकी सेविंग्स को रेशियो में या फिर वेरिएबल के फॉर्म में मान लिया क्योंकि मेन्स वाले क्वेश्चन है यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा यहां पर आपको एक्स की याद आनी जरूरी है क्योंकि आप मेन्स में यानी कि आखिरी पड़ाव में हो जब पीछे से आपके एक्स की याद आएगी है ना बाबू सोना की याद आएगी तो उस मोमेंट पर आपको

जिसमें से एक्स जो है वो बचा ले रहा है तो उसकी खर्च कितना होगा उसका हमने सर चौवन सो माइनस एक्स होगा है ना माइनस इज ट्वेंटी परसेंट मोर देन दैट ऑफ सी सी का खर्च कितना होगा हमने सर पैतालीस सौ रुपया अगर वो कमा रहा है तो और एक्स माइनस तीन सौ अगर वो बचा रहा है तो अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस ऐसे ही तो होगा देखो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस तीन सौ यानी कि अड़तालीस सौ माइनस एक्स बताओ ये इनका एक्सपेंडिचर आ गया ठीक है इन दोनों को आ चुका है। का एक्सपेंडिचर आ चुका है और सी का हमारे सामने एक्सपेंडिचर ऑफ ए क्या है एक्सपेंडिचर ऑफ ए हमने सर फिफ्टी फोर हंड्रेड माइनस एक्स एक्सपेंडिचर ऑफ ए है इस ट्वेंटी परसेंट इसका मतलब क्या हो गया इक्वल्स टू ट्वेंटी परसेंट मतलब क्या हो गया बच्चों एक बटे पांच ऑफ है है ना 25 20 20 मोर यानी कि one upon five नहीं इसको हम six upon five बोलेंगे बोलो का मतलब होता है एक बटे पांच पांच में एक जोड़ तो छे बटे पांच क्योंकि मोर है छे बटे पांच किसका सी का सी का एक्सपेंडिचर कितना है? हमने 4800 -6, uh, X है तो यहां से आप एक्स निकालो जल्दी से सारे बच्चे इतना तो आप लोग कर ही सकते हो मेरे लिए है ना फाइव को इधर भेज देते हैं ठीक है माइनस फाइव एक्स सिक्स को अंदर भेज देंगे हम लोग जल्दी से तो डबल जीरो बच्चा कर लेना सारे बच्चे और -6X हो गया ये, हम्म, साथ में चलना है मेरे सिक्स एक्स तो ये एक्स बचेगा छः में से पांच गया सत्ताईस हजार इसमें ऐड कर देंगे ला करके हम लोग है ना सत्ताईस हजार ला करके हम लोग ऐड कर देने वाले हैं ये तो ये आ जाएगा आठ सो इधर सत्ताईस दो नौवन एक पचपन ये आ गया एक्स की वैल्यू ये आ चुकी है चेक कर लेना आप लोग सारे बच्चे सेविंग्स ऑफ ए इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ ए सेविंग्स ऑफ ए एक्स की वैल्यू ही तो सेविंग्स ऑफ ए है है ना एक्स की वैल्यू ही तो सेविंग्स ऑफ ए है फाइव फाइव एट डबल जीरो फाइव फाइव एट डबल जीरो ये जो है सेविंग्स ऑफ ए जो है इज वाट परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ ए कुछ गड़बड़ हुआ ना कुछ गड़बड़ हो गया अच्छा माइनस होना था मैंने एड कर दिया शायद ठीक 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 माइनस करना है ना सत्ताईस हजार माइनस होगा क्या आएगी वैल्यू 1800 सौ आएगी जी बिल्कुल x की वैल्यू आ चुकी है 1800 माइनस करना था सॉरी सॉरी मेरी गलती तो 1800 आ गई वैल्यू ठीक है तो प्रश्न ये है कि 1800 जो है 5400 का कितना प्रतिशत है यानी 1800 बटे 54 यानी 18 दे 54 यानी कि 1/3 100 यानी 33.33% ए ऑप्शन आ रहा है ठीक है क्लियर हो गया हर एक बच्चे को अच्छे से कोई डाउट नहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं क्लैरिटी बोलो हां या ना ठीक है ज्यादा कैसे होगा इनकम से हद है हो जाता है कैलकुलेशन आप देख रहे हो मैं एग्जॉस्टेड हो चुका आप लोग तो आराम से बैठो चाय पी रहे हो पानी पी रहे हो खाना खा रहे हो डिस्ट्रैक्ट <laughs> हो गए <laughs> नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसे हम डिस्ट्रैक्ट होने लगे ना तो यहां पर जितने लेटर से हम सबसे डिस्ट्रैक्ट होंगे चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अच्छा है ही नहीं ओह मजा आ गई क्या बात है दिल को सुकून आया दिल को आराम आया ओ माय गॉड सेशन यहीं पर ओवर हुआ ठीक है चलो फिर हमने सारे सारे क्वेश्चंस करा दिए जितने थे डू जेड एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ा गया एक भी क्वेश्चन आपको होमवर्क नहीं दिया गया ठीक है और उम्मीद है कि आपने सेशन को काफी अच्छे से एंजॉय किया होगा काफी कुछ सीखा होगा और हाँ तो इतना ही है बच्चों काफी अच्छे क्वेश्चंस किए बहुत सारे बैचेस हैं जल्दी से देख लो बहुत सारे बैचेस हैं बहुत सारे बैचेस हैं तो उम्मीद है कि आप सारे बैचेस में एनरोल तो नहीं करोगे है ना तो बेस्ट आपके लिए क्या है बेटा बेस्ट है बैंक महापैक प्लस या फिर बैंक महापैक है ना इन दोनों में एनरोल कर लोगे तो आपको जितने बैचेस है वो भी मिल जाएंगे 22000 से अधिक आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे 1900 से अधिक आप लोगों को e ई-बुक्स मिल जाएंगी और 6000 से अधिक आप लोगों को मॉक्स बिना मॉक्स के सिलेक्शन होना नहीं है तो सारे बच्चे <laughs> चलो फिर एनरोल कर लेना सारे बच्चे कोड है आपका Y392 ठीक है इस कोड के साथ आप लोग एनरोल कर सकते हो बहुत ही अच्छा था चलो और किसी भी बुक ई बुक या टेस्ट सीरीज में नोल करना हो तो कर सकते हो कोड आपको मालूम होना चाहिए कोड है वाई थ्री नाइन टू के आगे बस आपको एस लगा देना है ठीक है चलो फिर सेशन को हम यहीं पर ओवर करते हैं क्लास अगर आपको अच्छी लगी और मैं बेहोश होकर गिरने वाला हूँ ऐसा ना हो लाइव क्लास मैं पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ऐसे हो जाऊँ है ना तो सेशन को हम यहीं पर ओवर करते हैं आप पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें देखते रहें सीखते रहें ट्वेंटी फोर सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब के साथ और अपने पेड बैच के साथ मिलते हैं आपसे अगले सेशन में तब तक लिए धन्यवाद बने रहने के लिए इतना लंबे समय तक है ना ढाई घंटे क्लास चली उसमें आप लोगों ने अपना साथ बनाए रखा थैंक यू सो मच बड़ी चीज़ है मतलब मैं तो पढ़ा रहा हूँ अच्छी बात है बट आप लोग जो शुरू से जुड़े थे एट द वेरी फर्स्ट सेकेंड और अभी तक जुड़े रहे काबिल तारीफ मतलब हैड्स ऑफ जिसमें से मैं देख पा रहा हूँ कि सतीशन भी हैं और कवई भी हैं अमीशा भी हैं है ना ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और प्रभा रानी भी हैं कृतिका शर्मा भी हैं बहुत सारे बच्चे निशा भी रहीं जिसमें से है ना अभिषेक भी रहे नितिन भी रहे तो ऐसे कुछ बच्चे मैं देख पा रहा था शुरू से काजल भी थी तो ऐसे कुछ बच्चे जो शुरू से अभी तक जुड़े रहे। थे ढाई घंटे और ना बड़े क्वेश्चन ने इजी क्वेश्चन तो अच्छा लगा ठीक है चलो फिर बाय केयर ऑल बेस्ट मिलते हैं आपसे अगले में आप पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे पेट बैच रहे, रहे, के साथ थैंक यू सो मच जय हिंद बच्चों